नमस्कार, जय श्री कृष्णा। नमस्कार सर। नमस्ते सर। नमस्ते 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 अजय जी। नमस्कार विजय कपूर जी। नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्कार मनीषा जी। नमस्कार। हाँ नमस्ते अनुपम। चलिए बहुत अच्छा है। क्या हाल है अजय जी? ठीक है? बस ठीक है सर, आशीर्वाद है। चलिए, सो नाइस सो नाइस सो नाइस। तो आज हम लोग आगे चलते हैं। सर्वाष्टक व्रत तो हम लोगों ने कर लिया था। सर एक दो क्वेरी है मेरी। हाँ, अष्टक व्रत से रिलेटेड है कैसी? हाँ, अष्टक व्रत से रिलेटेड है। हाँ। अभी जैसे हमने जो पिछले दो लेक्चर में पढ़ा उसमें एक जगह पे एक ऐसा पॉइंट है कि 12वें भाव में ज्यादा पॉइंट हो 11वें भाव, अब फर्स्ट हाउस से लग्न से तो पैसे कम रहेंगे उसके पास, ऐसा एक जगह पे पॉइंट है। ये सर्वाष्टक वर्ग में था? हाँ, सर्वाष्टक में था। एक मिनट खोल लेते हैं, इसको देख लेते हैं। अब कई बार तो मैं ही बता के चीज भूल जाता हूँ ना। नमस्ते सर। नमस्ते 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 सभ्यसाची जी। नमस्कार आकांक्षी। नमस्कार। शेयर स्क्रीन। देसाई साहब शायद वो 12वें से दूसरे के लिए था। नहीं, 12वें से दूसरे में भी था। हाँ। मैंने क्या किया है, पूरा इसका एक एक्सेल, जितना हम पढ़े ना। हाँ। अब उसका मैंने एक्सेल शीट बनाया है पूरा ऐसे फॉर्मूलास से, यानी हम जो यदि उसमें अष्टक वर्ग वगैरह डाल देंगे, कौन सी राशि क्या लगना है, वो जो तीन चार मेन पॉइंट, तो पूरा जितना हम पढ़े है वो कैलकुलेट करके दे देगा वो। ऐसा मैंने पूरा बनाया है। और अब वो बनाते हुए मेरे कंफ्यूजन ये हुआ कि जैसे फर्स्ट और सेकंड, ये जो मैंने बताया उसमें, क्योंकि सेकंड में ज्यादा पॉइंट है। हाँ। और इसमें कम पॉइंट है, तो मैं कंफ्यूज हुआ कि इसको किस तरह से लेंगे अपन। क्योंकि उसमें 9, 10, 11 और फर्स्ट सेकंड भाव, इन चारों का रिलेशन था। वो तो था ही, 9, 10, 11 वो तो एक था, वो दो तीन जगह पे फाइनेंशियल कंडीशन का आता है। देखिए, एक आता है फर्स्ट 9, 10, 11 में यदि आपके 28 या उससे ज्यादा पॉइंट्स है, मतलब ज्यादा पॉइंट्स है सबका में एवरेज। हाँ, एवरेज। हाँ, हाँ, एवरेज। तो फिर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन गुड रहेगी। करेक्ट। हाँ, ये 27 या 27 से अधिक। हाँ, मतलब मैंने इसलिए मैंने 28 बोला, राइट। अब दूसरा पॉइंट है कि यदि जो उसका एक मिनट, मैं उसमें फॉर्मूला भी देख डाली है। हाँ, मान लो कि सपोज उसका 12th में ज्यादा है 11 से, तो इनकम से ज्यादा एक्सपेंस हो गया उसका। हाँ। बराबर है। ओके। फिर आता है यदि उसका सब ये जो क्या बोलते हैं, हाँ, फर्स्ट 9 जो आप बता रहे हो, सब प्लेनेट का 9 है, फर्स्ट है, फिर 9 है, 4 सेकंड है, बराबर है। वो सबका हम टोटल करेंगे और वो 164 से ज्यादा है तो वो बहुत पैसे वाला होगा, ये वाला। हाँ, या 150 से ज्यादा है, 164 से, तो एवरेज रिच रहेगा, अदरवाइज नॉट सो रिच। बराबर है। हाँ, हाँ। अब एक जगह पे ऐसा था कि मान लो कि जैसे उसका नॉट सो रिच, हाँ वो इसमें, एक ही मिनट, E13 हाँ, एक जगह पे ऐसा था कि मान लो कि फर्स्ट हाउस में उसका पॉइंट, उसके पॉइंट कम है 12th से, 12th से, तो एक जगह पे ऐसा बताया है कि वो वेल्दी नहीं होगा, मतलब नॉट रिच, ऐसा है। तो मेरा ये है कि ऐसा होगा तो नॉट इन फाइनेंस, मतलब मैंने उसका इंटरप्रेट ऐसे किया
कि हाँ पैसे से नहीं रहेगा, पैसे का इससे साथ कोई लिंक नहीं है। हाँ हेल्थ वाइज हो सकता है क्योंकि फर्स्ट हाउस में उसके पॉइंट्स कम है, ट्वेल्थ में ज्यादा है। ट्वेल्थ हेल्थ वाले होगा राइट, क्योंकि ट्वेल्थ इज हॉस्पिटल, हॉस्पिटल एक्सपेंस। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि उसका, और मान लो सिक्स या एट में ज्यादा है पॉइंट फर्स्ट से, और ट्वेल्थ में भी ज्यादा है, तो उसका हॉस्पिटल रिलेटेड एक्सपेंस हो। वैसा मुझे, मैंने मतलब ऐसा उसका और तारतम्य निकाला कि नहीं, वो भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, बिल्कुल इंटरप्रेट कर सकते हैं कि फर्स्ट का और वेल्थ का इतना वो नहीं है। सेकंड और ट्वेल्थ है या सेकंड एंड इलेवंथ है तो आप बता सकते हो, बराबर है ना। तो मैंने इस तरह से उसको निकाला। नहीं ठीक है, बराबर। और मैं एग्जैक्टली वो किस जगह पे है ना, वो भी आपको ढूंढ के मैं दिखाऊं बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ वो कहाँ पे। अभी मैंने मार्क किया था लेकिन वो पेज मिल नहीं रहा है, मैंने पूरा, कोई बात नहीं, कोई बात है ना। लेकिन ये मैंने मतलब ये पूरा ऐसा मैंने वो बना रहा हूँ मैं सॉफ्टवेयर जैसा। अरे बहुत बढ़िया, आपने तो कमाल कर दिया, आईआईटी का फायदा उठा। अब दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि हाँ। जैसे आपने बताया था सैटर्न से लग्न और लग्न से, तो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था ट्वेल्थ में है तो क्या, तो फर्स्ट में है तो दोनों एक ही रहेगा ना, सैटर्न से लग्न और लग्न से सैटर्न, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, क्योंकि मेरा इफ कंडीशन जब डालनी आई ना, हाँ, तो फर्स्ट में तो दोनों फर्स्ट में है तो क्या, तो वो इफ में मैं अटक गया। हाँ बिल्कुल, लगन से सैटर्न और सैटर्न से लगन दोनों एक ही चीज हो जाएगी। नहीं सैटर्न से लगन तो आप घुमाओगे ना उसको। नहीं सैटर्न, अब मान लो सैटर्न लग्न में ही बैठा हुआ है, हाँ, तो फिर कहाँ घुमाऊंगा। मेरा सैटर्न लग्न में ही बैठा हुआ है, फर्स्ट हाउस में सैटर्न है। देखिए अगर मान लिया आपका सैटर्न चौथे हाउस में होता, नहीं तो मैं चार से बारह तक जाता, अब मतलब फर्स्ट तक जाता और फर्स्ट से फोर पर आता, हाँ, बराबर। मान लो मेरा ट्वेल्थ में होता तो फर्स्ट से ट्वेल्थ तक जाता और एक फर्स्ट में ही रहता, क्योंकि वो फर्स्ट मतलब ट्वेल्थ से फर्स्ट में आता। एक होता सैटर्न, मान लो मेरा सैटर्न बारहवें भाव में है जी, तो पहले से लेके बारह तक का टोटल किया मैंने, बारह भाव का टोटल करना है मुझे, वो तो ठीक है, बराबर है। और बारहवा और पहले का दूसरा टोटल लेना है मुझे, बिल्कुल ठीक है, बराबर है। अब उसकी जगह अब मान लो मेरा सैटर्न फर्स्ट हाउस में है, तो सैटर्न से लग्न कौन सा हुआ, तो वही हुआ। और लग्न से सैटर्न कौन सा हुआ, वही, तो वही हुआ, सैटर्न तो वहीं पे बैठा हुआ है, बिल्कुल। तो उस केस में वही नंबर आ जाएंगे, उसी के नंबर दोनों में सेम ही आएंगे ना, सेम नंबर आ जाएंगे। और इसमें ऐसा मुझे लग रहा है, मतलब ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूं कि ऐसे ऐसे जो नंबर, जो ईयर सैटर्न मार्स राहु इन तीनों में जो ईयर डुप्लीकेट आ रहे हैं या ज्यादा आ रहे हैं, मे बी वो जातक के लिए वो ज्यादा खतरनाक होंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही है, वो फ्रीक्वेंसी वाले ईयर तो आपने ज्यादा लेने ही लेने हैं। ओके ओके ओके, मतलब मान लो तो ये सैटर्न लग्न में हुआ तब तो फिर वो जो ईयर है दैट मे बी द क्रूशियल ईयर ना, उसके लिए मतलब ज्यादा दिक्कत वाला या ज्यादा प्रॉब्लमेटिक वो ईयर हो जाएगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, वो तो आपको लेना ही है। अगर इस तरीके से सैटर्न का देख लिया, ये तो खैर आपने, अगर और सैटर्न राहु मंगल सैटर्न, हाँ, तो अब मान लो सैटर्न मार्स एक में बैठा है, सैटर्न राहु एक में बैठा है, तो ये हाँ, आ जाएगा दोनों के केस में, हाँ, तो देन वो जो ईयर है या वो जो भी वो आएगा तो पीरियड वो बहुत प्रॉब्लमेटिक या ज्यादा उतार चढ़ाव वाला या ऐसा उतार चढ़ाव वाला पीरियड होगा। बिल्कुल ठीक बात, और दैट डिपेंड्स अपॉन द कैसा कितना खराब है उस जातक के लिए वो प्लेनेट, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, बराबर है ना। यस यस, बाकी चीज तो सारी वो है ही है, okay, वो तो जो आपको मैंने बताई है वैदिक वाली वो सब चीज तो चलेंगी, साथ में ये भी चलेगा इसके अंदर। अच्छा सर, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओके, मेरा ये दो तीन क्वेरी थी, अब कुछ नहीं, ठीक है मैं वो चीज मैं ढूंढ के आपको दिखाऊंगा मैंने कहां से वो इंटरप्रेट किया था। नहीं कोई बात नहीं, वो ले लीजिए, वो ठीक है, क्योंकि दूसरा भाव और ग्यारहवां भाव बेसिकली धन भाव से संबंधित तो यही चीजें है ना। हाँ, पहला भाव का संबंध होता है आपका क्या नाम है, स्वास्थ्य से संबंध हो गया पहला भाव, हाँ, का हाँ, हाँ, हाँ। बारहवें भाव का संबंध आपका फिर सारा उससे हो गया, एक्सपेंडिचर बीएस से, हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर वगैरह से हो गया,
वो चीज आ जाती है उसके अंदर, मतलब वो मैंने जो इंटरप्रेट किया वो मतलब उसी हिसाब से बराबर है। अब दूसरा एक एक क्वेरी रह गया है, मान लो जैसे आपने वो तीन त्रिकोण के हमने मतलब चारों उसके टोटल लगाए थे बराबर है ना, तो उसमें एक था कि एक अर्ध त्रिकोण का था, एवरेज 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 जो बंधु मतलब धर्म अर्थ कर्म बराबर है। अब उसमें उसमें मुझे ये पूछना है जैसे मान लो कि किसके लिए बिजनेस अच्छा रहेगा या किसके लिए वो अच्छा रहेगा, तो उसमें मेरे हिसाब से शायद ऐसा दिया है कि फर्स्ट जो है उस त्रिकोण उसमें आपने बताया कि वो बिजनेस उसमें अच्छा रहेगा, लेकिन उसमें धर्म और उसका क्या लेना देना है? नहीं 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 ऐसा है, मैं बताऊं आपको, ये इस पे जो बाहर की किताब आपको मिलेंगी ना, कभी बाई चांस कोई किताब मिल जाती है बाहर से तो उसके अंदर ऐसा हो जाता है, लेकिन अष्टकवर निबंध जो किताब है अष्टकवर महानिबंध उसके अंदर ये बताया गया है जो अर्थ त्रिकोण है दैट इज बेसिकली बिजनेस त्रिकोण। अर्थ त्रिकोण में पैसे ज्यादा है तो बिजनेस ऐसा आदमी को सूट करेगा, मतलब देख लो जैसे 2, 6, 10 में ज्यादा है हाँ, तो वो बिजनेस ज्यादा रहेगा, और 3, 7, 11 में ज्यादा है हाँ, तो वो नहीं, लेकिन उसमें क्या आपने बताया 2, 6, 10 में वो सेवक है और 3, 7, 11 में वो पोषक है हाँ, मतलब पोषक है दैट मीन्स कि वो बंदा जॉब देगा ना पोषक नहीं, है। आप उससे 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 कंफ्यूज मत कीजिए सेवक पोषक से, इसलिए मैं उसमें लिखना नहीं चाह रहा था सेवक पोषक घटक सेवक पोषक ये जो लिखना वाला था ना ये मैं जानबूझ के नहीं लिखना चाह रहा था, वो उसमें लिखा हुआ है, आप वही लगाइए कि जो अर्थ वाला जो है मतलब तो फिर सेकंड 6th 10th जो है हाँ और 3rd 7th 11th है बराबर है। यस यस अब तो जो तो फिर इसमें एक ये आता है कि 6th हाउस मतलब तो जॉब के लिए है, 7th मतलब बिजनेस के लिए है हाँ, मतलब क्योंकि पार्टनरशिप है हाँ, अब जॉब पार्टनरशिप में तो हो ही नहीं सकती है जॉब बराबर है ना, तो जॉब तो अब दूसरा 3rd है तो जिसमें जिसमें डेयरिंग या रिस्क या क्या बोलते हैं एफर्ट वो सब 3rd से देखा जाता है, मेहनत ज्यादा हाँ हाँ बराबर है, तो फिर तो वो तो 3rd 7th ये दोनों चीज तो बिजनेस में तो ये सब चीज की जरूरत ही है, और 11th मतलब इनकम हुआ तो आपने जितने मेहनत डाले अच्छी पार्टनरशिप की तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, अर्थ वाला ही आपको बिजनेस लेना है, अष्टकवर महानिबंध में यही लिखा है कि जो अर्थ वाला है वो ही आपको बिजनेस वाला लेना है, मतलब अर्थ में ज्यादा है तो अर्थ में ज्यादा है तो आप बिजनेस की तरफ जा सकते हैं हाँ। चलिए आगे चलते हैं हम हाँ। कक्षा पे आ जाएंगे, कक्षा पढ़ेंगे आज, कक्षा क्या होती है इसके अंदर देखिए, ये तो हम लोगों ने नक्षत्र के नाम हमारे हैं ही हैं, ये तो हम सब जानते हैं 27 नक्षत्र हैं, ये नौनों के उसमें मैंने कर रखे हैं 1 से लेके 9 तक, फिर 10 से लेके 18 तक, फिर 19 से लेके 27 तक। इसका मतलब ये है कि अश्वनी नक्षत्र के त्रिकोण की बात करेंगे तो अश्वनी मघा मूल अश्वनी के त्रिकोण के नक्षत्र हो गए, भरणी नक्षत्र के त्रिकोण की बात करेंगे तो भरणी पूर्व फागुनी और पूर्व आषाढ़ा ये त्रिकोण आ जाएगा, पुनर्वसु के त्रिकोण की बात करेंगे तो पुनर्वसु विशाखा और पूर्व भाद्रपद इस तरह से त्रिकोण आ जाएगा, तो त्रिकोण के हिसाब से ही मैंने ये लगा रखे हैं, आपको वैसे भी याद इस तरह याद कर सकते हो या इससे याद कर सकते हो कि भाई एक वाला नंबर वाला जो है उसके जो त्रिकोण वाले होंगे वो सारे एक नंबर वाले होंगे, अश्वनी एक नंबर वाला है तो 10 नंबर वाला 1+0 1 मगा हो गया, 1+9 10 1 हो गया, वो मूल हो गया, तो इस तरह से याद कर लीजिए चाहे ऐसे याद कर लीजिए, दोनों तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो ये 27 नक्षत्र हमारे हैं, इनका नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नक्षत्रों का आगे यूज आएगा तो मैं इसके अंदर बताऊंगा आपको कि क्यों मैं बता रहा हूँ ये। अच्छा, राशियां जितनी भी हैं, अब एक चीज और होती है, आप सपोज कीजिए किसी राशि के अंदर 2 पॉइंट हैं या 3 पॉइंट हैं, और अब वो 3 पॉइंट जो हैं 2 पॉइंट हैं खाली, मान लिया शनि नहीं 2 पॉइंट, शनि के अष्टक वर्ग में 2 पॉइंट हैं, तो शनि का गोचर जब उस राशि में होगा तो हम लोग कहेंगे कि भैया इसमें तो शनि को परेशानी, शनि परेशानी क्रिएट करेगा, तो अब क्या शनि 2.5 साल तक परेशानी क्रिएट करेगा? शनि तो 2.5 साल तक रहेगा वहां पर, नंबर है 2 अष्टक वर्ग में शनि के, अब शनि का गोचर हो रहा है, मान लिया आपकी 11 नंबर राशि में गोचर हो रहा है, आज शनि 11 में चल रहा है,
और 11 नंबर राशि में शनि के अष्टक वर्ग में आपके दो बिंदु हैं, तो आप कहोगे जी मेरे तो 2.5 साल तक परेशानी रहेगी मेरी, तो ऐसा नहीं होता। उसके लिए कक्षा सिद्धांत बनाया गया है, एक राशि में 8 कक्षाएं होती हैं, एक राशि में 8 कक्षाएं होती हैं, तो उन कक्षाओं को 8 में जब डिवाइड करेंगे तो 0 से 3:45 तक, 0 degree से 3 degree 45 minutes तक एक कक्षा, 3 degree 45 minutes से 7 degree 30 minutes तक दूसरी कक्षा, फिर 7 degree 30 minutes से 11 degree 15 minutes तक तीसरी कक्षा, और इसी प्रकार 26 degree 15 minutes से 30 degree तक आठवीं कक्षा। ये 8 कक्षा होती है। अब ये कक्षा जो है डिफरेंट डिफरेंट ग्रहों को अलॉट की गई है, यानी कक्षा मतलब शनि राशि का एक वो है, जिसे कहना चाहिए ना आपका एरिया, जो 30 डिग्री का एरिया है उस एरिया में 8 बॉस कर दिए कि भैया बॉस 8 बॉस हैं एरिया के, पहले वाले एरिया का बॉस ये है, दूसरे वाले एरिया का बॉस ये है, तीसरे वाले एरिया का बॉस ये है, तो 8-8 भागों में डिवाइड कर दिया एक एक राशि को, तो और उनके 8ों के बॉस अलग अलग कर दिए। बॉस किस हिसाब से किए? बॉस उन्होंने इस हिसाब से किए कि जो सबसे स्लो ग्रह है उसको सर्वप्रथम रखा, सबसे पहले उसको रखा, शनि ये सबसे स्लो है उसको सबसे पहले रखा, 0 से 3:45 minutes पे रखा, उससे तेज गुरु चलता है उसको 3 degree 45 minutes से 7 degree 30 minutes तक रखा, रखा 3 degree 45 minutes भी मतलब उसका पोर्शन दे दिया, उससे कहा कि भैया यहाँ पे तेरा राज चलेगा, यहाँ पे किसी और का राज नहीं चलेगा, 7 degree 30 minutes से मंगल को दे दिया, क्योंकि गुरु के बाद मंगल है जो तेज चलता है, मंगल के बाद सूर्य, हम सूर्य पृथ्वी को लेके चलते हैं अपनी, पृथ्वी को मानते हैं, पृथ्वी के सापेक्ष बात कर रहे हैं, तो सूर्य आ गया, फिर शुक्र आ गया, फिर बुध आ गया उससे भी तेज आ गया, फिर चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि को क्लिक करता है, और फिर लगन जो आपका 2 घंटे में करता है। तो कहने का मतलब यह है कि 8 कक्षाओं में डिवाइड किया, तो जब भी कोई ग्रह गोचर में आएगा, मान लिया कि शनि ग्रह आपकी गोचर में 11 नंबर राशि में आ रहा है, अब शनि जब 11 नंबर राशि में गोचर में आ रहा है तो आपने एकदम उठाया अपना शनि का अष्टक वर्ग, देखा कि भैया शनि के अष्टक वर्ग में मेरे तो कुल 2 बिंदु हैं या 1 बिंदु है, तो आपको घबराहट हो गई, 2.5 साल तो गड़बड़ हो गए, लेकिन वो देखिए कि वो 2 बिंदु किसने दिए हैं। अगर शनि ने दिया है 1 बिंदु गुरु ने दिया है, तो 0 degree 3:45 तक और 3:45 से 7.5 तक तो कोई परेशानी आपको है नहीं, क्योंकि वहां पर वो चीज संभाल कर जाएंगे वो आपकी। तो इसलिए मतलब एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये सब कुछ रखा गया है कि एक ही टाइम की लंबी परेशानी आपको ना हो, तो आपको ये भी ध्यान रखा गया है कि भाई किस किस ग्रह ने बिंदु दिया है। अब मान लिया शनि 11 नंबर राशि में आता है, तो जिस समय शनि 11 नंबर राशि में गोचर करेगा तो शुरू में वो 0 degree का होगा या 1 degree का होगा, तो वो हम चेक करेंगे किसी कक्षा में है, तो वो पहली कक्षा उसकी खुद की अपनी होगी, तो हम शनि के अष्टक वर्ग में देखेंगे कि शनि ने 11 नंबर राशि में पहली कक्षा में पॉइंट दिया है या नहीं दिया है। अभी आगे मैं आपको दिखाता हूं इसके अंदर, ये देखिए ये है, अब शनि है, जैसे ये शनि का भिन्नाष्टक वर्ग है हम लोग, और ये शनि का प्रस्ताराष्टक वर्ग है जो हमने पीछे डिस्कस किया हुआ है, किन किन ग्रहों ने पॉइंट दिए हुए हैं। आप अब जो आप ये देखेंगे कि शनि गुरु मंगल सूर्य शुक्र बुध चंद्र लगन इस तरह से लिखा हुआ है कॉलम में, इसको लिखने का रीजन यही है कि पहली कक्षा शनि की, दूसरी कक्षा गुरु की, तीसरी कक्षा मंगल की, चौथी कक्षा सूर्य की, पांचवीं शुक्र की, छठी बुध, सातवीं चंद्र और आठवीं लगन, ताकि इसी क्रम में टेबल बनती है ये वाली, ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो कि सबसे पहले ग्रह जब गोचर में आएगा तो शनि की कक्षा में आएगा, उसके बाद 3:45 degree तक जाने के बाद गुरु की कक्षा में आएगा, फिर और 7.5 degree चलने के बाद मंगल की कक्षा में आएगा, ऐसे ऐसे ग्रह आगे बढ़ता रहे। अब जैसे मान लीजिए कि ग्रह आपका गोचर में आज की डेट में शनि यहां पर है 11 नंबर राशि में गोचर में, तो शनि 11 नंबर राशि में गोचर में है, अभी मुझे डिग्री उसकी शनि की एग्जैक्टली नहीं मालूम है कितनी डिग्री है शनि की, सर 10 नंबर में है ना इस समय तो शनि मकर राशि में, मकर में 10 नंबर में, मकर राशि में डिग्री कितनी है वो नहीं आइडिया ना, अच्छा डिग्री मकर राशि में, एक मिनट डिग्री देख लेते हैं, कोई देख सके, देखिए अस्टो सेज वगैरह में कोई देख सके तो देखिए जरा, आज से गोचर देख लीजिए, आज की कुंडली लगा लीजिए खाली, उसमें शनि देखिए कितने डिग्री का है,
तो उससे आपको कक्षा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। सर शनि 26 डिग्री है, 26:51 अच्छा, आज का, हाँ आज का, तो 26:51 कहाँ आ गया? वो इस वाली कक्षा में आ गया, आठवीं कक्षा में, आठवीं कक्षा लगन वाली कक्षा में, क्योंकि 26 डिग्री 15 मिनट से 30 डिग्री तक ये लगन की कक्षा में है। यानी शनि ये सारी कक्षाएं पार कर चुका है 10 नंबर राशि में और अब वो लगन वाली कक्षा में है, तो क्या लगन ने पॉइंट शनि को 10 नंबर राशि में दिया है? 10 नंबर राशि ये है और लगन की कक्षा ये आती है जीरो, यहाँ जीरो पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि ये पीरियड उस बंदे के लिए जिसका शनि 10 नंबर राशि में चल रहा है और जिसको लगन ने पॉइंट नहीं दिया, वो ठीक इतना नहीं रहेगा, थोड़ी परेशानी वाला पीरियड रहेगा। और अगर शनि मान लिया जीरो डिग्री का होता या एक डिग्री का होता तो पहली कक्षा में होता, तो शनि ने शनि की कक्षा में बिंदु दिया है तो ये बिंदु दिया था, तो फिर तो उसका मतलब यहाँ पर ठीक रहता, यहाँ ठीक रहता, यहाँ ठीक रहेगा। यानी कुल मिला के जीरो से 3:45, 3:45 7.5, 7.5 से 3:45 अगर आप और लगाते हो तो 11.25 डिग्री तक तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ दो जगह गड़बड़ हो गया, यहाँ फिर ठीक आ गया, फिर यहाँ दो जगह ऐसा हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आपको साथ साथ ये भी देखना है कि नंबर भले ही कम मिले हों, अब जैसे नंबर यहाँ दो मिले हैं, शनि अगर मेष राशि में आएगा या शनि एक नंबर राशि में आएगा, ये जिस भी बंदे की कुंडली है, शनि अगर एक नंबर राशि में आता है, ये एक नंबर राशि है, शनि गोचर में जब एक नंबर राशि में आएगा तो शनि के अष्टक वर्ग में इस बिंदु में एक बिंदु मिला हुआ है, तो शनि तो आदमी को लगेगा कि 2.5 साल तक तो बहुत परेशानी हो गई, एक ही नंबर है खाली। लेकिन 2.5 साल में कुछ समय या जो मंगल वाला समय जो है, वो समय इसका ठीक निकलेगा और वो समय इसका सही जाएगा जब वो मंगल की कक्षा में होगा। सर 2.5 साल को 8 से डिवाइड करके टेंटेटिव टाइम भी निकाल लेंगे कि 3 महीने का टाइम हो गया लगभग। शनि जो है एक कक्षा में 112 दिन रहता है। 112 दिन बराबर है, करेक्ट है, ठीक है। गुरु एक कक्षा में 45 दिन रहता है, मंगल एक कक्षा में 7 दिन रहता है, सूर्य एक कक्षा में 3.8 डेज रहता है, शुक्र एक कक्षा में 2.3 डेज रहता है, बुध एक कक्षा में 22 घंटे रहता है और चंद्र एक कक्षा में 6.9 आवर्स रहता है। तो सर इसका मतलब तो ये हुआ कि चाहे शनि ने कितने भी पॉइंट दिए हो, वो 8 पॉइंट तो देता नहीं है। हाँ बराबर है, तो तो मैक्सिमम 4 या 5 पॉइंट मिलेंगे इन जनरल मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर तो तब तो फिर ऐसा तो होगा ही होगा कि 3 या 4 कक्षा तो ऐसी आएगी आएगी, ये पीरियड ऐसा बिल्कुल आएगा, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल देखिए, सही बात है आपकी। एक चीज तो ये देखिए आप कि राशि में दो चीजें हैं इसके अंदर, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, राशि में 4 पॉइंट से शनि की कक्षा में 3-4 पॉइंट से अधिक अगर है, 4 पॉइंट से लगा लीजिए 4 पॉइंट या उससे ऊपर है, तो वो राशि मजबूत हो जाती है। वहां पे शनि गोचर करेगा तो उतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। जब वो शनि शुक्र की कक्षा में आएगा या बुध की कक्षा में आएगा, बुध ने पॉइंट नहीं दिया है, उस पीरियड में थोड़ा उसका रिजल्ट इतने अच्छे नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको रिजल्ट बिल्कुल ही बुरे मिलने चालू हो जाएंगे, क्योंकि राशि मजबूत है वो वाली, वो राशि मजबूत है। लेकिन राशि में भी मजबूत नहीं है आपकी, राशि में भी जैसे यहाँ एक नंबर है और यहाँ पे सब 0-0-0 वाली कक्षा में जब चलेगा तो यहाँ रिजल्ट बहुत डाउन रहेगा। सिर्फ उसको सर, इसमें हम कक्षा के स्वामी की बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ। एक राशि का अपना स्वामी भी है, तो किसको प्राथमिकता मिलेगी, राशि के स्वामी को या कक्षा के स्वामी को? मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम मकर राशि की बात कर रहे हैं, तो इसका स्वामी खुद का स्वामी भी शनि है और फिर उसमें जो कक्षा है उनके अलग अलग स्वामी है। हाँ नहीं नहीं वो हाँ मैं समझ गया तुम्हारी बात, तुम क्या कहना चाह रहे हो मैं समझ गया। ये देखो यहाँ अष्टक वर्ग जब तुम कर रहे हो ना, तो तुम चूंकि वैदिक रिलेट कर रहे हो साथ में, तो शनि अपनी स्वय राशि में है वो तो खैर अच्छी बात है ही है, ठीक है। शनि अपनी स्वय राशि में है तो ये तो अच्छी बात है ही है। तो किसी के अगर दो बिंदु भी हैं अपने अष्टक वर्ग में 10 नंबर राशि में, तो भी बहुत बुरा मत कहिए उसे, क्योंकि कम से कम वो अपनी स्वय राशि में है, कुछ तो संभाल लिया उसने वहां पे। अगर स्वय राशि में भी ना होता और पूर्ण योगकारी ग्रह भी ना होता और दो नंबर वाले अष्टक वर्ग में राशि में वो गोचर कर रहा होता तो बैंड बजा लेता,
तो वो तो आपको सारे पॉइंट देखने ही हैं, उन सबको मिला के ही आपको तारतम्य बैठाना है कि भाई राशि ठीक है, कि राशि स्वयं राशि में है तो इतना बुरा नहीं है, शनि दो नंबर भी है तो बुरे तो रिजल्ट देगा, क्योंकि दो नंबर है तो रिजल्ट तो कम, रिजल्ट तो हल्के मिल रही है उसे, लेकिन बहुत विपरीत परिणाम नहीं मिलेंगे उसको। बट अगर नंबर भी कम है और राशि भी उसकी अपनी नहीं है, तब उस कह सकते हैं कि हाँ भैया उसको तो परिणाम जो है बहुत गड़बड़ मिले। इसके अंदर मतलब सर प्रिसाइजली ये बता सकते हैं ढाई साल में कौन कौन सा पीरियड उसका खराब जाएगा वो देखना पड़ेगा वैदिक के हिसाब से कि कितना खराब जाएगा। अगर वहां अच्छी पोजीशन है तो कम खराब जाएगा, वहां खराब है तो ज्यादा खराब जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, एकदम एग्जैक्टली ऐसे ही देखना है आपको उसको मिला के। पहले तो सबसे पहले तो आप अपना कंप्लीट वो देख लीजिए कि शनि आपका कैसा है, शनि आपका, शनि जो है जिस राशि में बैठा है उस राशि में कितने, मतलब स्वय राशि में है, उच्च राशि में है, किस राशि में है, ये काउंट देख लीजिए। वो आपने देख लिया कुछ उसका परसेंटेज हो गया, में कितने मिले हुए हैं शनि के, वो फिर भिन्नाष्टक में कितने पॉइंट मिले हैं शनि की जिस राशि में गोचर कर रहा है, अगर वहां भी चार या पांच पॉइंट मिले तो राशि मजबूत हो गई। अब उसके बाद छोटा मोटा कहीं बुध की कक्षा में या मंगल की कक्षा में आएगा तो छोटा मोटा अप एंड डाउन मिलेगा, लेकिन आदमी सह जाएगा। देखिए ढाई साल कोई भी चीज अच्छी हो या बुरी हो वो ढाई साल तक एक जैसी नहीं रहेगी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये हिसाब किताब है कि दशा भी 10 साल तक, 20 साल की दशा किसी ग्रह की होती है, क्योंकि उसमें अंतर आती रहती है, प्रत्यंतर आती रहती है, प्राण दशा आती रहती है, तो वहां भी आदमी को अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। इसी प्रकार अष्टक वर्ग में भी कक्षा कंसेप्ट है कि कक्षाओं के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट कक्षाओं से जब गुजरेगा तो रिजल्ट में कमी पेशी होती रहेगी। अब कितनी कमी पेशी होगी वो आप देख सकते हो कि राशि भी मजबूत नहीं है तो ज्यादा कमी पेशी होगी। अब जैसे इस वाली कुंडली के अंदर अगर देखें, यहाँ दो नंबर है, यहाँ दो नंबर है, यहाँ एक नंबर है, यहाँ दो नंबर है, तो यहाँ राशियां थोड़ी कमजोर है, यहाँ चार चार पांच है, तो यहाँ पर वो अगर यहाँ छह नंबर है चार नंबर राशि में, यहाँ पर वो गोचर करेगा इस राशि में तो मजबूत तो वैसे ही हो गया पांच नंबर राशि में। ऊपर से अगर वो जीरो नंबर पॉइंट वाली कक्षा में गोचर कर रहा है तो भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा, कम फर्क पड़ेगा, मतलब थोड़ा ऊपर से डाउन आएगा, लेकिन ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा कि आपको बहुत ज्यादा मतलब विपरीत रिजल्ट हो जाए आपके साथ में कि भाई ये तो मामला एकदम कहां मैं बहुत अच्छा चल रहा था कहां मेरा बंटाधार हो रहा है, ऐसा नहीं। सर एक और चीज पूछनी थी इसी से रिलेटेड, मतलब वैदिक से रिलेटेड है। ये जो कक्षा का कॉन्सेप्ट है ये सर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी एप्लीकेबल है या केवल अष्टक वर्ग में ही है? नहीं बेटा अष्टक वर्ग में है खाली। अच्छा सर, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब किसी राशि में कोई ग्रह होता है तो उसकी डिग्री भी होती है, राइट? तो मान लीजिए शनि जिस राशि में है अगर वो 2 डिग्री पे है तो हम कह सकते हैं कि वो अपनी कक्षा में है, मतलब नहीं, वो सिर्फ अष्टक वर्ग में चलेगा, वो वैदिक में नहीं चलेगा, है ना। महाराष्ट्र महान डिग्री का आपको ध्यान नहीं देना, वहां पे 2 डिग्री आपको ध्यान देनी है, राशि अंत और राशि प्रारंभ, 1 डिग्री से कम या 29 डिग्री के बाद जो मैंने आपको बताया, बाकी कोई डिग्री का ध्यान आपको वहां पे नहीं देना। आपको जो कक्षा कंसेप्ट है वो आपका यहाँ पर है जहाँ आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं। सर जैसे जैसे स्क्रीन पर आपने लगाया हुआ है जिसमें चार नंबर राशि में 6 पॉइंट मिले हैं, राइट? तो जब इसमें शनि गोचर कर रहा है तो जहाँ एक एक पॉइंट मिला हुआ है इसका मतलब वहां उस कक्षा के स्वामी उसकी रक्षा करने के लिए है, इसलिए वहां पर वो स्मूथ चला जाएगा, या जीरो है वहां थोड़ा असर डाल देगा, वहां थोड़ा असर डालेगा, बाकी जगह तो बढ़िया। देखिए 6 नंबर पॉइंट मिल गए शनि को अपने भिन्नाष्टक वर्ग में 4 नंबर राशि में, तो राशि तो मजबूत हो ही गई ना, ये राशि तो मजबूत हो गई, तो शनि का इस राशि में गोचर वैसे ओवरऑल अच्छा रहेगा, उस बंदे के लिए ओवरऑल अच्छा रहेगा, लेकिन बीच बीच में कुछ समय ऐसा आएगा जहां 0 पॉइंट है कि वहां पे थोड़ा, अगर 100 रुपए मिल रहे थे तो वहां पे 70 रुपए मिलेंगे या 60 रुपए मिलेंगे। मतलब नहीं है कि शनि अगर मान लो अपने शत्रु की कक्षा से सूर्य से आ रहा है तो प्रॉब्लम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, कक्षा वो कक्षा में मित्र शत्रु नहीं लगाने हैं, पॉइंट मिला हुआ है तो हाँ कक्षा में मित्र शत्रु नहीं लगाने हैं। ठीक है सर, ठीक है, कक्षा में कोई मित्र शत्रु नहीं लगाना, ये इसके अंदर ये कक्षा कंसेप्ट है जो इसके अंदर आता है। अब यही हमने कहा कि कक्षा को जो बांटा गया है वो ग्रहों की दूरी के हिसाब से बांटा गया है, जो सबसे दूर ग्रह है उसको सबसे पहले लिया गया है शनि को, उसके नजदीक गुरु है, फिर गुरु लिया गया, फिर मंगल लिया गया, इस तरह के आगे ग्रह हमने सारे ले रखे हैं, सबसे पहले सबसे धीमी गति वाला और फिर सबसे बाद में सबसे तेज गति वाला। तो कोई भी ग्रह जब एक राशि में प्रवेश करेगा गोचर में तो पहले वो शनि की कक्षा में आएगा, शनि से परमिशन लेगा, भैया शनि के एरिया में आएगा,
कि शनि ने अगर नंबर दे रखा है उस राशि में उसे वहां पे, तो रिजल्ट वो ठीक ले जाएगा। शनि ने नंबर नहीं दिया तो रिजल्ट वहां पे थोड़ा सा नेगेटिव मिल पाएगा उसको। तो वो ध्यान देने वाली बात है कि जिसकी कक्षा में वो प्रवेश कर रहा है उस कक्षा स्वामी ने नंबर दिया है या नहीं दिया है, ये भी बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि समय सारा एक जैसा बिल्कुल नहीं होता। आप ये सोचो कि भाई 5 नंबर आ गए, अब तो 2.5 साल के लिए समय बहुत ही बढ़िया हो गया, ठीक है, समय अच्छा हो गया, ओवरऑल समय आपका अच्छा रहेगा। आप किसी से कहेंगे 2.5 साल बीतने के बाद, तो आप कहेंगे कि जी मेरा ओवरऑल टाइम ठीक रहा, बट यू कैन नॉट से कि जी मेरा एक दिन भी ऐसा नहीं आया, या मेरा एक महीना भी ऐसा नहीं आया, या मेरा 2 महीने भी ऐसे नहीं आए जब मैं थोड़ा सा पहले से कुछ परेशान ना हुआ हूं, या कहीं सारा अप ही अप चल रहा हो, ग्राफ थोड़ा नीचे ना आया हो। तो वो कक्षा कंसेप्ट वो ग्राफ है बेसिकली, कि थोड़ा सा अप चल रहा है, फिर थोड़ा सा डाउन आ गया, फिर थोड़ा अप चल रहा है, फिर डाउन आ गया। लेकिन 4 नंबर से ऊपर अगर ग्राफ आपका है, तो वो ग्राफ कहते हैं कि ब्रेक इवन से ऊपर तो आपका ऑलरेडी है, तो वो अच्छा तो है ही है, ठीक है ना। तो ये तो आपका कक्षा कंसेप्ट हो गया। ये हमारे जो कक्षा में कितने दिन ग्रह रहता है ये आप थोड़ा याद कर लीजिएगा, तो इससे अपना ध्यान रहेगा मोटा मोटा। अब आता है शोधन। शोधन क्या है? देखिए रिफाइनमेंट है, अष्टक वर्ग का शोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम त्रिकोण शोधन के बारे में पढ़ेंगे। अष्टक वर्ग को जितना रिफाइन करोगे आप उतना ही बढ़िया। जैसे कहते हैं ना कि ड्रग्स जैसे अफीम है, खेतों में मिलती है, उसके बाद वो निकलते 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 कहां से कहां कैसी ड्रग बन जाती है, फिर बाद में तो करोड़ों रुपए की किलो हो जाती है, पता नहीं चलता कितना रेट हो जाता है उसका। क्योंकि जितनी रिफाइंड वो होती है उतनी ज्यादा उसका असर पड़ता चला जाता है। तो यही शोधन इसके अंदर होता है अष्टक वर्ग के अंदर, कि अष्टक वर्ग का भी शोधन किया जाता है। जब हमने शुरू में अभी जो अष्टक वर्ग बनाए थे वो तो हमने खाली अष्टक वर्ग बना लिया, बिना अष्टक वर्ग बना दिया और सर्वाष्टक वर्ग बना दिया। अब उनके शोधन करने, हर अष्टक वर्ग में, सूर्य के अष्टक वर्ग में, चंद्रमा के अष्टक वर्ग में, मंगल के अष्टक वर्ग में हम लोगों को शोधन करने हैं। और वो शोधन 2 प्रकार के होते हैं, पहला त्रिकोण शोधन और दूसरा एकाधिपत्य शोधन। एकाधिपति लिखा हुआ है, एकाधिपत्य होता है, एकाधिपति लग लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, एकाधिपत्य शोधन बोलते हैं। तो त्रिकोण शोधन और एकाधिपत्य शोधन, ये 2 शोधन हमारे अष्टक वर्ग में किए जाते हैं। अब ये कैसे करते हैं, त्रिकोण शोधन करने का क्या तरीका है? आप अपनी कुंडली अपना पास रखिएगा, सूर्य का अष्टक वर्ग वगैरह, और शोधन करके देखिएगा। क्योंकि हम थोड़ा करते करते आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये सीख गए ना तो समझो कि फिर इसके बाद कैलकुलेशंस नहीं है, फिर तो हमें केवल फार्मूले लगाने हैं और रिजल्ट कैलकुलेट करना है। यहाँ पर ये थोड़ा बनाना सीखने वाली बात है, शोधन तक ही, त्रिकोण शोधन या एकाधिपत्य शोधन या शोध्य पिंड निकालना, ये 3 जगह हमारी कैलकुलेशंस हैं जहां हमें सीखना है कि कैसे निकालते हैं। सॉफ्टवेयर से तो मिल जाएगा आपको बड़े आराम से, आपको त्रिकोण शोधन होकर मिलेगा चार्ट, सूर्य का अष्टक वर्ग आ जाएगा पहला, फिर दूसरा अष्टक वर्ग आ जाएगा त्रिकोण शोधन के पश्चात, फिर तीसरा आ जाएगा एकाधिपत्य शोधन के पश्चात, तो वहां तो आपको सब मिल जाएगा। लेकिन कैसे निकला है वो चीज भी आपको देखनी जरूरी है, क्योंकि कई बार सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना वो रिलायबल ना हो तो नंबरिंग गड़बड़ कर देते हैं, और नंबरिंग का खेल है इसके अंदर। बहुत रिलायबल सॉफ्टवेयर चाहिए इसमें, सारा नंबरिंग का खेल है। 4 के 5 हो गए या 4 के 6 हो गए या 6 के 4 कर दिए तो उसके ऊपर से प्रेडिक्शन चेंज हो जाती है। तो त्रिकोण शोधन करने के लिए राशियों को 4 भागों में बांटा गया है, ये हम जानते ही हैं। अग्नि राशि है, पृथ्वी राशि है, वायु राशि है, जल राशि है। अग्नि राशि हमारी मेष सिंह धनु, पृथ्वी राशि हमारी वृष कन्या और मकर, वायु राशि हमारी मिथुन तुला और कुंभ, और जल राशि हमारी कर्क वृश्चिक और मीन। ये 4 तरह की राशियां हमारी होती हैं। इन 4 तरह की राशियों में पहले हमको बांट लेते हैं, क्योंकि जितने भी ग्रह होंगे या जो भी अष्टक वर्ग आपका होगा या जो भी राशियां होंगी वो इन 4 हिस्सों में डिवाइडेड होंगी सारी। 1, 5, 9 होगी या 2, 6, 10 होंगी, 3, 7, 11 होंगी या 4, 8, 12 होंगी। अब क्या करना है? पहला नियम, अभी हम कैलकुलेशन भी करेंगे आगे, नियम एक बार सुन लीजिए कि अगर तीनों राशियों में बिंदुओं की संख्या अलग अलग, यानी तीनों राशियों मीन्स 1, 5, 9, हमने पहले देख लिया अपना सूर्य का अष्टक वर्ग उठाया और सूर्य के अष्टक वर्ग में देखा कि 1, 5 और 9 नंबर राशि में कितने बिंदु हैं। 1 नंबर राशि में कितने बिंदु हैं, 5 नंबर राशि में कितने बिंदु हैं, 9 नंबर राशि में कितने बिंदु, तो वो हमने चेक कर लिया। अभी हम 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा जरा।
हाँ, तो 1, 5, 9 नंबर राशि हम लोगों ने ले ली, और 1, 5, 9 नंबर राशि जो हमारी अग्नि राशि है, सूर्य के अष्टक वर्ग हमने उठाया, और सूर्य के अष्टक वर्ग में से हमने देखा कि पहली राशि में कितने हैं, पांचवी में कितने हैं, नवी राशि में कितने हैं, फिर दूसरी में कितने हैं, छठी में कितने हैं, दसवीं में कितने हैं, ऐसे करके हमने हर राशियों के अलग अलग पॉइंट लिख लिए, चारों तरफ की जो राशि हमारी हो गई 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11, 4, 8, 12 उनके पॉइंट हमने लिखे। अब इसमें पहला नियम ये बोलता है सर, एक ये सूर्य के अष्टक जो है उसमें करना है प्रस्तारक, सभी के प्रस्तारक वर्ग में करना है, सूर्य वाला नहीं, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि सबके में करना है, सबके भिन्नाष्टक वर्ग में ना, हाँ सबके भिन्नाष्टक वर्ग में त्रिकोण शोधन करना है। ओके ठीक है, ये सभी के भिन्नाष्टक वर्ग में होगा। त्रिकोण शोधन की विधि बताई है, तो मैं पहले जैसे आपको एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि आप सूर्य का ले लीजिए, कि सूर्य में देख लीजिए भिन्नाष्टक वर्ग जो आपका बना हुआ है, वो कुंडली सी जो बनी हुई थी ना सूर्य का भिन्नाष्टक वर्ग, उसमें चेक कर लीजिए कि पहली राशि में, पांचवी राशि में, नवी राशि में कितने पॉइंट है, दूसरी छठी दसवीं में कितने पॉइंट है, इससे हम लोग पॉइंट चेक कर लेंगे। पॉइंट चेक करने के बाद इसके बाद हमारा जो है ये देखना है कि अगर तीनों राशियों में, अगर हम जैसे मान लिया पहली फाइव, फर्स्ट फाइव और नाइन राशि का देख रहे हैं, अगर तीनों राशियों में बिंदुओं की संख्या अलग अलग है, तो सबसे कम वाले को सभी राशियों के बिंदुओं से अलग अलग घटा दो। तीनों राशियों में बिंदुओं की संख्या किसी में दो है, किसी में तीन है, और किसी में चार है, मान लिया नंबर एक राशि में दो है, नंबर पांच राशि में तीन है, और नंबर नौ नंबर राशि में चार है, तो सबसे कम बिंदु किस में हुआ है, एक में हो गया, तो उस सबसे कम वाले बिंदु को बाकियों में से घटा दीजिए अलग अलग, और जो शेष बची संख्या है उसको लिख लें। अभी एग्जाम्पल में इसमें आपको दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल कैलकुलेट किया हुआ है नियम के हिसाब से। दूसरा नियम यह है कि अगर तीनों में से किसी राशि में भी जीरो बिंदु है, हो सकता है कि तीनों में से किसी राशि में जीरो बिंदु मिल जाए, चाहे तो पहली में मिल जाए, या पांचवी में मिल जाए, या नवी मिल जाए, या दूसरी मिल जाए, छठी मिल जाए, दसवीं मिल जाए, तीनों में से किसी राशि में अगर शून्य बिंदु मिल गया तो कोई शोधन नहीं होगा, तो नंबर वैसे के वैसे रखे जाएंगे। अब राशियों में ग्रुप है, ये ध्यान रखिए, 1, 5, 9 ग्रुप एक है, 2, 6, 10 ग्रुप एक है, 3, 7, 11 एक है, 2, 6, 10 वाले ग्रुप के अंदर अगर किसी राशि में जीरो पॉइंट मिल गया तो शोधन नहीं होगा। 3, 7, 11 वाले पॉइंट में कहीं जीरो मिल गया तो शोधन नहीं होगा, क्योंकि नियम यह है कि जिस राशि में सबसे कम पॉइंट है उसको वो पॉइंट घटाए जाएंगे बाकी राशि में से, और जीरो में से घटाएंगे सारे पॉइंट उतने ही आएंगे, इसलिए घटने पर भी फल एक जैसा रहता है, इसलिए इसके अंदर ये होता है कि अगर जीरो किसी राशि में आ जाए तो वहां पे कोई शोधन नहीं होता। अच्छा, अब दो राशियों में जीरो है पॉइंट, और तीसरी में मान लिया तीन पॉइंट है, ये भी ग्रुप के हिसाब से आपको अलग अलग ग्रुप देखना है, 1, 5, 9 अलग, 2, 6, 10 अलग, कहीं कंफ्यूज नहीं करना। दो राशियों में जीरो है और एक राशि में आपकी कोई संख्या है तो उसको भी जीरो कर दीजिए, और अगर तीनों राशियों में संख्या बराबर है तो सभी को हटा दो और सभी को जीरो कर दो। तीनों राशि में तीन 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 नंबर दिए हुए हैं तो सबको हटा के सबको जीरो कर दीजिए। ये चार नियम इसमें लगते हैं त्रिकोण शोधन करने में, और ये करके हमने इस कुंडली के अंदर आपको दिखाया है, एग्जाम्पल के लिए देख रहे हैं, आप भी अपनी कुंडली में करके देखिएगा तो उससे आपको आइडिया लगेगा। जैसे ये कुंडली है जो पीछे से हमारी चली आ रही है, ये सूर्य का अष्टक वर्ग हमारा है, भिन्नाष्टक वर्ग सूर्य का, इसमें जैसे देखिए 1, 5, 9 नंबर राशि में, एक नंबर राशि में कितने पॉइंट है, एक नंबर राशि में 6 पॉइंट, 5 नंबर राशि में 4 पॉइंट, 9 नंबर राशि में 5 पॉइंट, उसी प्रकार 2, 6, 10 दो नंबर राशि में 6 पॉइंट, 6 नंबर राशि में 7 पॉइंट, और 10 नंबर राशि में 0 पॉइंट। तो इस तरीके से पॉइंट हम लोग इनके लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे कि पहले हमने ले लिया मेष सिंह धनु, 6 मेष में है, 4 सिंह में है, 5 धनु में, तो सबसे कम संख्या कौन सी है, सिंह वाली 4 नंबर। तो पहला नियम है कि भैया जो सबसे कम संख्या आया वो घटा दो तीनों में से, तो शोधन के बाद संख्या आ गई अब 2, 0, 1। अब जो शोधन के बाद भिन्नाष्टक वर्ग बनेगा उसमें मेष में 2 पॉइंट आएंगे, सिंह में 0 पॉइंट आएगा, और धनु में 1 पॉइंट आएगा। ठीक है, ये अब शोधन के बाद ऐसा है। अच्छा, वृष कन्या और मकर, ये तीन राशि 2, 6 और 10, इसमें अगर आप देखें
दो राशि में तो पॉइंट है, एक में जीरो है, इसका अगर ये जीरो घटाएंगे तो तीनों बराबर रहेंगी, तो इसलिए शोधन नहीं होगा यहाँ पे। नियम टू था ना हमारा, समझ गए ना? हाँ, कहीं समझ ना आए तो पूछ देख लीजिएगा। बराबर, बराबर बराबर है तो क्या करने का सर? इक्वल अभी अभी आ गया, अभी आएगा। अच्छा, अब तीसरा नियम हमारा ये क्या है, ये कहता है अभी मिथुन तुला और कुंभ राशि, मिथुन में 5 पॉइंट है, तुला में 3 पॉइंट है, कुंभ में 3 पॉइंट है, तो वही जो मिनिमम वाला पॉइंट वाला है वो आपने माइनस कर दिया और वो नंबर आपका निकल के आ गया। ऐसी कर्क राशि को मीन के लिए आपने निकाल दिया। अब आप पूछ रहे थे कि अगर बराबर पॉइंट है तो क्या होगा, बराबर पॉइंट है तो उसमें लिखा है कि तीनों संख्या बराबर है तो सभी को हटा दें, सबको जीरो कर, ठीक है? तो ये नियम है, इस तरीके से आपको एकाध त्रिकोण शोधन करना है अपनी कुंडली का। तो ये सूर्य का अष्टक वर्ग आपका इसलिए तैयार हो जाएगा, अगर आपने किसी ने सूर्य का अष्टक वर्ग खोला हो, या चलिए वो छोड़ दीजिए, उसको हिसाब से तो नहीं करा होगा, तो आप अपना चेक कर सकते हैं वो, या बाद में चेक करके देख लीजिएगा। सर सॉफ्टवेयर में वो जो पराशर लाइट है उसमें रिड्यूस आता है वही ना ये? हाँ, रिड्यूस आता है उसमें, पहला आएगा त्रिकोण शोधन के बाद, फिर आएगा एकाधिपत्य शोधन के बाद। तो सर ये तो इसमें सात बन जाएंगे भिन्नाष्टक इसके, इस तरह से सबके अलग अलग बनेंगे सूर्य के चंद्र के। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फिर उनका एक सर्वाष्टक बन जाएगा, वो बना लीजिए आप, सर्वाष्टक बना लीजिए, सर्वाष्टक की जरूरत नहीं पड़ती इसके अंदर शोधन वाले में, क्योंकि हमारा काम भिन्नाष्टक से चलता है। अच्छा, अभी आगे बताऊंगा मैं उसको, वो आपको हो जाएगा। अब जैसे देखिए चंद्र का है, ये चंद्र का, ये सूर्य का अष्टक वर्ग पहले शोधन के बाद आ गया, जो राशि हमने माइनस पॉइंट करे, मेष राशि में 2 पॉइंट रह गए, 5 नंबर राशि में 0 पॉइंट रह गया, 9 नंबर राशि में 1 पॉइंट रह गया, तो ये सब चीजें इस तरह से हमारे ये पॉइंट आ गए। तो ये हमारा भिन्नाष्टक वर्ग आया पहले शोधन के बाद, पहले शोधन के बाद ये हमारा भिन्नाष्टक वर्ग आया। अब सिमिलरली अगर हम चंद्रमा का करें, ये चंद्रमा का हमारा भिन्नाष्टक वर्ग है, तो पहले नंबर राशि में कितने हैं? 5 पॉइंट। दूसरी में कितने हैं? 5 नंबर राशि में 3 पॉइंट। नवी नंबर राशि में कितने हैं? 6 पॉइंट। तो 3 यहां ज्यादा कम है, 3 माइनस कर देंगे, तो तीनों में से 3 माइनस करेंगे, 203 ऐसे, और हाँ 203 ठीक है, ये समझ आ गया अनुपम? यस सर। हाँ तो सर हर एक में मिनिमम 4 तो जीरो आएंगे आएंगे, हर हाँ हर ग्रेजुएट में 4 तो मिनिमम जीरो ही आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको इस तरह से निकाल लेना है, ये सारे भिन्नाष्टक वर्ग आपको उससे तैयार करने हैं। ये आपका मिथुन राशि का, तुला राशि, कुंभ राशि का आ गया, यहाँ भी इस तरह से आपने माइनस करने हैं। इन तीनों राशियों में अगर आप देखो तो 3 नंबर यहाँ कम है, तो -3 -3 -3 कर दिया, 210 आपके पॉइंट आ गए इसके। यहाँ पे मैं वही देख रहा था, कहीं कहीं बराबर नंबर वाली संख्या नहीं है इसके अंदर, यहाँ बिंदु 5 2 1 है, तो 1 माइनस कर दिया, 410। इसी प्रकार चंद्रमा का अष्टक वर्ग पहले शोधन के बाद बन जाएगा। इस तरीके से हम ये शोधन करेंगे और शोधन करने के बाद डिफरेंट डिफरेंट अष्टक वर्ग बना लेंगे, मतलब भिन्नाष्टक वर्ग या अष्टक वर्ग जो भी कह रहे हैं वो बना लेंगे आफ्टर शोधन। आपको ध्यान रखना है कि 3 अष्टक वर्ग आपको अपने साथ में रखने हैं भिन्नाष्टक वर्ग, पहला विदाउट शोधन। विदाउट शोधन तो जो सारी चीजें मैंने आपको बताई, मुहूर्त वगैरह है या कोई भी टाइमिंग्स वगैरह के लिए है या कोई किसी रिजल्ट के नंबर के रिजल्ट के लिए है, वो सारा विदाउट शोधन चलेगा। आफ्टर शोधन जो है दोनों शोधन के बाद, वो चलेगा आपकी दुख के लिए, आपकी एज के लिए, आपके पिता की एज के लिए, आपके भाई की एज के लिए, आपकी मदर की एज के लिए, आपकी मतलब इन सब लोगों की बीमारी के लिए, वो वहां चलेगा। ये जो अभी हम देख रहे हैं वो जो अभी आप देख रहे हैं, ठीक है ना? तो लेकिन ये अभी जो देख रहे हो प्लस जो अभी आने वाला है एकाधिपत्य शोधन, वो ये दोनों होने के बाद जब हम त्रिकोण शोधन कर लेंगे और एकाधिपत्य शोधन कर लेंगे तब उसका हमारा यूज होगा उन चीजों, उसका यूज होगा हमारा उन चीजों में कि कैसे हम लोग डिफरेंट लोगों के बारे में कि भाई किसको किस समय उम्र में जाके कष्ट होगा, कब नक्षत्र पे कौन सा ग्रह आएगा कष्ट होगा, वो सी सारी उससे निकलती हैं। और बाकी जो
विदाउट शोधन वाला है, वो सारे पॉइंट्स जो हमारे मुहूर्त हैं या जो भी पॉइंट्स हमारे जैसे हमने बताए हैं आपको सर्वाष्टक वर्ग में, या वो पॉइंट बताए हैं वो सारे उससे निकाल रहे हैं। तो ये शोधन, ये जो शोधन है वो बीमारी या एज दो के लिए यूज होता है, ऐसा दो के लिए यूज होता है, बीमारी एज के लिए बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है ये। अभी इसके शोधन के बाद इसमें आएंगे हम लोग, तो एग्जाम्पल ले रखे हैं हमने, तो एग्जाम्पल करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा सर। नहीं मतलब पैसे या दूसरे कोई कैरियर या उसमें ये नहीं यूज होता है? नहीं, उसके अंदर भी फर्क पड़ जाता है। जैसे बृहस्पति का देखिए ऐसा होता है ना, आपका राहु का, मंगल का या शनि का, इसका गोचर जो है, जो इनके हिसाब से नक्षत्र आते हैं शोधन के हिसाब से, उन नक्षत्रों में राहु मंगल शनि गोचर कर रहे हैं तो नुकसान होता है। उन नक्षत्रों में अगर बृहस्पति गोचर कर रहा है, शुक्र गोचर कर रहा है, चंद्र गोचर कर रहा है तो फायदा होता है आदमी को। पैसे का फायदा भी होता है आदमी को, आदमी को हेल्थ का फायदा भी होता है, चहुमुखी सुख उसे मिलता है। अच्छा और, समय बुरा समय, हाँ। और उसमें जो शनि गोचर राहु गोचर ये हैं, उसमें कष्ट होता है। कष्ट जो है वो बीमारी की वजह से हो, फाइनेंशियल लॉस की वजह से हो, किसी वजह से भी हो, वो कष्ट जो है उसको उस वाली दशा में रहता है जब वहां गोचर होगा। अभी वो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, वो शनि राहु मंगल के लिए जो पाप ग्रह हैं उनके लिए। तो इस तरीके से हमने ये शोधन कर लिया। अब शोधन कर लिया तो हमने ऐसे ही मंगल का शोधन कर लिया, फिर बुध का शोधन कर लिया, फिर गुरु का शोधन कर लिया अष्टकवर्ग का, फिर शुक्र का कर लिया, देन शनि का कर लिया। तो ये शोधन कर लिया हमने सर। तो एक शोधन तो हमारा हो गया यहां तक, ये शोधन में तो किसी को समझ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ये थोड़ा सा टिपिकल है एक आधिपत्य शोधन, इसको भी अगर समझ जाएंगे आप तो दोनों शोधन करने के बाद आपका भिन्नाष्टावर निकल जाएगा, उसके बाद हमारी कैलकुलेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। टिपिकल नहीं है, इसमें नियम थोड़े ज्यादा हैं और वो याद रखने पड़ते हैं, लेकिन आप एक बार निकाल लेंगे उसके बाद आपको बार बार निकालने की आवश्यकता नहीं है। फिर तो आपको मालूम है कि नियम कौन से हैं, नियम आपको याद हैं, पास में रखे हुए हैं, फिर तो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू निकाल रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन एक बार निकालना बहुत जरूरी है। इसके हिसाब से जब हम लोगों ने सीखा था तो हम लोगों ने एक एक अष्टक वर्ग, एक एक भिन्नाष्टक वर्ग, एक एक शोधन के बाद उसके बाद पूरा एक बुकलेट तैयार करी थी, उसमें कंप्लीट वो था तैयार करके हमने बुकलेट रखी थी, जिसमें सारा शोधन करके अष्टक वर्ग का पूरा नाम को डाल रखा था। उसके अंदर देसाई साहब तो और भी आगे बढ़ गए हैं, उन्होंने तो सॉफ्टवेयर भी बना दिया उसका, प्रोग्राम आईटी का कर दिया, बहुत बढ़िया। तो बाकी अपने बैचमेट्स की भी जितनी हेल्प हो सके सर कीजिएगा, बहुत अच्छी बात जरूर, है जरूर कर। हाँ, पूरा हाँ, एक बार फाइनलाइज हो जाए ना। हाँ, ये जितना ये सब ऐड होता रहता है तो वो सब डालूंगा मैं। हाँ, क्योंकि ज्ञान जितना बांटेंगे ना सर उतना बढ़िया रहेगा। नहीं बात वो ज्ञान देने में तो आप पिछली बैच में भी आपको पता है मैं सब बिल्कुल बिल्कुल भेजता ही रहता था फ्रीक्वेंटली। मैं कह रहा हूँ जो बाकी लोग भी है, बाकी लोग भी अपनी तरफ से ट्राई करें चीजों को, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा लगा आपने जो ये ट्राई किया है उसके हिसाब से, प्रोग्राम के हिसाब से, सॉफ्टवेयर के हिसाब से, तो बहुत अच्छी चीज। अब एकाधिपत्य शोधन क्या है? ये शोधन त्रिकोण शोधन होने के बाद, ये सारे जो भिन्नाष्टक वर्ग हैं ये त्रिकोण शोधन के बाद आ गए। ये लिखाया है जवाहरलाल नेहरू जी का शनि का अष्टक वर्ग पहले शोधन के बाद, यानी त्रिकोण शोधन के बाद। अब ये इनके अंदर लगेगा ये शोधन, एकाधिपत्य शोधन, शोधन से पहले वालों में नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। एकाधिपत्य शोधन लगेगा जो शोधन के बाद, त्रिकोण शोधन के बाद हुए हैं उन भिन्नाष्टक वर्ग में एकाधिपत्य शोधन लगेगा। मतलब इससे आगे जाने का, ये लेने इससे आगे जाने का है, उसमें ऐसा नहीं कि उस बेस, हाँ। उसको हमने बेस लिया था, अब इसमें ये एकाधिपत्य के लिए हम ये बेस लेंगे, ऐसा ना, ये बेस लेंगे। अब डबल रिफाइंड होगा, हाँ डबल रिफाइंड हो जाएगा ना तब ये। अच्छा एकाधिपत्य शोधन जो होता है, एक सेकंड में, हाँ इसमें क्या होता है, इसका पहला नियम है कि अगर एक ही ग्रह की दोनों राशियों में आप राहु केतु को छोड़ दीजिए, ये मैं इसमें नियम एक बार पढ़ लीजिए इसको, पढ़ के फिर आपको थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल जब दिखाऊंगा उसमें आपको समझ में आ जाएगा। एक ही ग्रह की दोनों जैसे राशि, मंगल की राशि ले लीजिए आप उदाहरण के लिए, मंगल की कौन कौन सी राशि होती है, एक नंबर राशि होती है और आठ नंबर राशि होती है, उसका स्वामी मंगल होता है। अगर दोनों राशियों में कोई ग्रह बैठा है, अगर इन दोनों राशियों में, मंगल की दोनों राशियों में, देखिए सूर्य चंद्रमा को छोड़ना है आपको,
सूर्य चंद्रमा की दोनों की एक एक राशि होती है, बाकी पांच ग्रह जो बचे आपके उनकी दो दो राशियां हैं, तो उनकी दोनों राशियों में अगर कोई ग्रह बैठा है तो शोधन नहीं होता। जैसे यहां देख लेते हैं, ये शनि का अष्टक वर्ग है पहले शोधन के बाद, इसमें अगर देखें तो मंगल की दो राशि है, एक राशि ये है और एक राशि ये, एक में तो बैठा है लेकिन एक में नहीं बैठा, तो यहां तो शोधन होगा। अगर यहां भी ग्रह बैठा होता, कोई भी ग्रह बैठा होता, और यहां तो ग्रह है ही सूर्य आठ नंबर राशि में, तो शोधन नहीं होता। तो नंबर जो ये पड़ा हुआ है जीरो या आठ, ये नंबर जीरो और एक, ये एज इट इज ले लिया जाता। ये शुक्र की है ना, शुक्र में भी ऐसा है ना, गुरु केतु है और ऊपर बुध और शुक्र है, राहु केतु को उसमें नहीं काउंट करता। नहीं नहीं नहीं, लेकिन गुरु है ना, दो नंबर में गुरु है और सात नंबर में शुक्र और बुध है, बुध है, तो यहाँ पर शोधन होगा। हाँ वही तो, यान उसको छोड़, मतलब इसको करना है ऐसा, ऐसा करना है जिसमें शोधन होगा। नहीं लेकिन आपने क्या है, दोनों में ग्रह है तो उसका शोधन नहीं होगा ना। हाँ अगर दोनों में ग्रह वहां पर है, देखिए जैसे हाँ, है ना, तो ऐसे दो और सात नंबर दोनों में ग्रह थे तो शोधन नहीं होगा, छोड़ना पड़ेगा उसको, वो छोड़ना पड़ेगा। हाँ, हाँ, हाँ। उसको छोड़ना पड़ेगा, उसका शोधन नहीं होगा। जहां पर एक नंबर एक जगह ग्रह है एक जगह नहीं है तो वहां शोधन कीजिए, या दोनों जगह नहीं है वहां शोधन कीजिए। तो वो अभी इसके अंदर नियम और नियम है, वो आपको आगे मालूम चलेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि किसी ग्रह की राशि में, दोनों राशियों में ग्रह बैठे हुए हैं तो उस केस में शोधन नहीं करना, राहु केतु को यहाँ काउंट नहीं करना। क्या आपने देखा कि जी यहाँ तो बैठा हुआ है मंगल और यहाँ बैठा है राहु, तो उसको काउंट कर लिया कि दोनों ग्रह बैठे हुए हैं ना, राहु और केतु को नहीं काउंट करना है, मंगल राहु केतु के अलावा ही ग्रह को काउंट करना। अच्छा इसके बाद दूसरा जो आता है वो आता है एकाधिपत्य का अर्थ होता है एक राशि का अधिपति। एकाधिपत्य शोधन जो बोल रहे हैं हम इसको, वो एक राशि का अधिपति होता है। सूर्य व चंद्रमा एक राशि के स्वामी हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि बाकी ग्रह तो दो दो राशि के हैं, लेकिन सूर्य की सिंह और चंद्रमा की कर्क इनकी एक ही राशि है, दोनों की एक एक राशि है। अतः इन पांच ग्रह जो हैं बाकी जो हैं वो दो राशि के स्वामी हैं। तो कर्क और सूर्य का, कर्क और सिंह का शोधन नहीं किया जाता, चंद्रमा और सूर्य का जो है, कर्क और सिंह जो सूर्य नहीं, कर्क और सिंह राशि का शोधन नहीं किया जाता, बाकी पांच का किया जाता है। कर्क और सिंह में जितने नंबर है एज इट इज उतने नंबर रख दिए जाते हैं, ठीक है। कर्क और सिंह का शोधन नहीं होता, बाकी नंबर एज इट इज, कर्क और सिंह के नंबर ऐसे रखे जाते हैं। बाकी जो पांच ग्रह हैं उनमें आप देखोगे कि दोनों जगह बैठे हैं ग्रह, नहीं बैठे हैं, कैसे हैं कैसे नहीं है, उसके हिसाब से आप शोधन करेंगे। अच्छा अब ये क्या है, इसके अलावा बचे आपके पांच ग्रह। देखिए आप ये तो हमने देख लिया, कर्क का नहीं होगा, सूर्य का नहीं होगा, सिंह का नहीं होगा, सॉरी कर्क और सिंह का शोधन नहीं होना। अब पांच ग्रह बचे, मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि, सबकी दो दो राशियां हैं, तो कैसे शोधन होगा। अगर दो राशियों में से किसी में भी शून्य संख्या है तो चाहे कोई ग्रह हो या ना हो शोधन नहीं होगा। एकाधिपत्य शोधन में आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर दो राशियों में से किसी में भी शून्य संख्या है उसे भी छोड़ देंगे, हाँ, तो शोधन नहीं होता, चाहे उनमें कोई दोनों में ग्रह बैठा हो या ना बैठा, ठीक है। ये पहला नियम हो गया इसका, ये सिर्फ पांच ग्रह के लिए चल रहे हैं नियम। सूर्य का और चंद्रमा का तो फिट हो गया, ये कर्क और सिंह में शोधन नहीं होता, वो तो फिट हो गया। पांच ग्रहों के लिए है, अगर दो राशियों में एक ग्रह की दो राशियां हैं किसी में जीरो नंबर है तो शोधन नहीं होगा। अगर दोनों राशि में से एक में ग्रह है और दूसरे में नहीं है, अब ऐसा सिचुएशन आ गई कि एक राशि में तो ग्रह है पर दूसरे में नहीं है, तो कैसे शोधन होगा। सर यहाँ पे जब हम कह रहे हैं कि एक राशि में ग्रह है तो उसमें सूर्य और चंद्रमा को भी काउंट करेंगे ना। हाँ हाँ, राहु केतु काउंट नहीं करना है, राहु केतु काउंट नहीं करना बस आप। तो अगर दोनों राशियों में से किसी एक राशि में ग्रह बैठा हुआ है तो उस केस में, और दूसरे में नहीं है तो कैसे आगे बढ़ना है आपको। फिर उसके लिए नियम बताया है कि उसके लिए क्या करना है आपको, क्योंकि कोई राशि जिसमें कोई भी ग्रह नहीं बैठा उसकी संख्या जिसमें ग्रह बैठा है, कोई राशि जिसमें कोई ग्रह नहीं है
उसकी संख्या उस राशि की संख्या से जिसमें ग्रह बैठा है, अगर ज्यादा हो तो बिना ग्रह वाली राशि को माइनस कर दो या उसके बराबर कर दो, बराबर कर दो उससे। कोई राशि जिसमें कोई ग्रह नहीं है उसकी संख्या उस राशि की संख्या से जिसमें ग्रह बैठे हैं अगर ज्यादा हो तो उस स्थिति में बिना ग्रह वाली राशि में जितने नंबर है उसके बराबर कर देते हैं संख्या भी, मतलब तो दोनों बराबर हो जाती है। सर एक बताएंगे तो ज्यादा पता चलेगा। हाँ अभी अगर एग्जाम्पल कैलकुलेट कर रखा है हम लोगों ने तो वो उससे आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। मतलब उसमें यही है कि बिना ग्रह वाली राशि की संख्या ग्रह वाली राशि की संख्या से कम या बराबर हो तो बिना ग्रह वाली राशि की संख्या को हटा देते हैं अर्थात शून्य कर देते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूं, शायद वो ज्यादा दोनों राशियों में ग्रह नहीं है, अगर मान लिया दोनों में संख्या बराबर है तो उसको जीरो कर दो। अगर कोई ग्रह नहीं हो ये उसके लिए लागू है, अगर दोनों राशियों में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है और दोनों में संख्या बराबर है तो जीरो कर दो उनको। यही दोनों में संख्या अलग अलग है तो बड़ी को छोटी के बराबर ले आओ, अगर दोनों में कोई ग्रह नहीं है तो। जैसे ये है, अब ये सूर्य के अष्टक एकाधिपत्य शोधन हमने कर, त्रिकोण शोधन के बाद हमारे पास ये कुंडली है सूर्य की। अब त्रिकोण शोधन करने के बाद हम लोगों ने इसका एकाधिपत्य शोधन करना। देखिए कर्क में कितने पॉइंट हैं? एक पॉइंट है। उसको ऐसे सिंह में हाँ जीरो तो करना ही नहीं है सर, कर्क को और सिंह को तो करना ही नहीं है, कर्क को सिंह को करना ही नहीं है। हाँ इनको ऐसे ही उतार लेना, इनको ऐसे उतारना ठीक है। तो कर्क राशि वाला और सिंह राशि वाला जीरो ऐसी पॉइंट उतार लेंगे इनके, तो इनके पॉइंट हमने ऐसे ही उतार दिए। कर्क राशि में हमारा वही एक पॉइंट लिखा हुआ है और सिंह राशि में हमारा वही जीरो पॉइंट लिखा हुआ है, इसमें कोई शोधन नहीं करना। दूसरा नियम, मंगल की राशि हमारी एक और आठ होती है, अगर दो राशियों में से किसी में भी शून्य संख्या आया तो शोधन नहीं होगा, ये हमने लिखा हुआ था, चाहे कोई ग्रह हो या ना हो इसका भी नहीं होगा, तो इसका भी नहीं होगा ठीक है। शुक्र की राशि भी दो है, दो और सात संख्या है राशि में, इसका भी नहीं होगा। इसका देखिए अच्छा, दो और सात में देखो नहीं है ना प्लैनेट, दो में नहीं है, वैसे भी जीरो है सर, जीरो है ना, नहीं होगा ना, नहीं, हाँ, नहीं होगा। ये कुंडली अच्छी है सर, ऐसी आए तो अच्छा है अगर किसी के में ज्यादा हो गए तो हमारे दिमाग को शोधन हो जाए हाँ तो ये इस तरह से निकालना है। ऐसी बुध की राशियां हैं दो, उसमें शोधन करना है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको इस तरीके से शोधन करने हैं, एकाधिपत्य शोधन और त्रिकोण शोधन, जो दो शोधन हमारे होते हैं ठीक है। ये बहुत थोड़ा सा कैलकुलेशन है एकाधिपत्य शोधन में, देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा नियम को कि भाई कितनी है कितनी है, एक बार करके देखेगा और नेक्स्ट टाइम जब क्लास हमारी निकले तो आपको जो जो चीज मैं बताऊंगा आज वो कैलकुलेट करके लगेगा अपने शोधन करने के बाद दोनों चीजें, फिर हम लोग नक्षत्र का गोचर पढ़ेंगे उसके ऊपर ठीक है। तो अभी इसके अंदर हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग शोधन करते हैं, त्रिकोण शोधन कैसे करते हैं, एकाधिपत्य शोधन कैसे करते हैं, ये वही शोधन मैंने दिखाया हुआ है। जब आप कुंडली चेक करेंगे और यहाँ देखेंगे तो आपको सारा मालूम चल जाएगा कि कैसे गुरु की राशि दो बिंदु है, धनु में ग्रह है जबकि मीन में कोई ग्रह नहीं है तो मीन की संख्या धनु की संख्या के बराबर कर देंगे। वो तो सर वो एक बार वही मैं बोल रहा हूँ कि वो एक बार बताएंगे आप तो ज्यादा अच्छा रहेगा, पता नहीं चल रहा है। मैं ऐसा करूंगा ना, इसका आपको इस वाले लेक्चर का स्पेसिफिकली पीपीटी भेज दूंगा, लेकिन चक्कर ये है ना सारा ये पूरा एक ही स्लाइड में है, तो आप भेज दीजिए ना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ये पता नहीं चल रहा है सर ऐसा। अच्छा मैं ऐसा करूंगा कि इन स्लाइड्स को मैं अलग से कॉपी करके आपको पीपीटी भेज दूंगा, ये एकाधिपत्य शोधन त्रिकोण शोधन वाला जो है ठीक है ना, तो वो आपको आप निकाल के जब नियम सामने लिखा होगा तो आप निकाल के उसको लगाइए तो आपको मालूम चल जाएगा सारा।
ये नियम तो भूल जाएंगे बाद में सर, ये तो बातें भूल जाएंगे, लेकिन आपको ये थोड़ा विश्वास रहेगा कि हमने इस तरीके से कभी निकाले थे और सॉफ्टवेयर से निकलेंगे सारी चीजें, लेकिन आपको एक बार तो मालूम होना चाहिए ना कैसे निकलता है। करेक्ट, एक बार आप अपनी अपने आप को चेक कर लीजिए कि आपका जो सॉफ्टवेयर जो दे रहा है संख्या वो ठीक दे रहा नहीं दे रहा, या आप ठीक निकाल रहे हो नहीं निकाल रहे हो, उसको एक बार चेक करने के लिए, ये क्रॉस चेक करने के लिए नियम याद रखना जरूरी है। अदरवाइज तो जब अष्टकवर्ग पढ़ाते हैं लोग नॉर्मली तो ये कैलकुलेशन पार्ट में नहीं जाते, क्योंकि ये तो सब चीजें ऑलरेडी सॉफ्टवेयर के अंदर मिलती हैं, बट यहाँ बहुत जरूरी है, मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने एक एक चीज हमारे गुरुजी ने निकलवाई थी और ऐसे करके हम लोगों को भी घर पे एक चीज निकालनी है। तो मैं आपको कांसेप्ट पता होना चाहिए सर, हाँ। मतलब सॉफ्टवेयर में पूरा बना बनाया ही आएगा ना, जो भी ये सॉफ्टवेयर सारा बना बनाया आएगा, उसमें अष्टकवर्ग बिना शोधन के आएगा, एक अष्टकवर्ग लिखा होगा उसके अंदर एकाधि त्रिकोण शोधन के बाद फिर लिखा हुआ एकाधिपति शोधन के बाद। ओके सर, थैंक यू। तीनों तीनों भिन्नाष्टक वर्ग साथ में बने आते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा वो कैसे बने हुए आते हैं, वो भी दिखाऊंगा आपको। तो ये हमारा शोधन हो गया, एकाधिपति शोधन हो गया हमारा। तो इस तरीके से हम लोग सारे कुंडलियों में जितनी भी कुंडली है, चंद्र है, मंगल है, ये सारा शोधन कर लेते हैं। अब शोधन करने के बाद इसमें एक चीज आती है शोध्य पिंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अजय जी क्या टाइम हो रहा है? 8:06 अच्छा चलिए शोध्य पिंड का कवर कर लेते हैं, ये कवर हो जाएगा। शोध्य पिंड आता है, शोध्य पिंड क्या करते हैं कि दोनों शोधन करने के बाद, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको शोध्य पिंड निकालना होता है, जिसका इस्तेमाल मैंने बताया कष्टों में, चाहे फाइनेंशियल कष्ट हो, चाहे हेल्थ वाले कष्ट हो, या फायदा हो, उनके अंदर इस्तेमाल होता है ये इन चीजों का। तो वो शोध्य पिंड निकालने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं, एक राशि गुणाकार, एक ग्रह गुणाकार। ये शोध्य पिंड भी कैलकुलेट होकर आएगा आपकी सॉफ्टवेयर के अंदर, लेकिन यहाँ निकालना बताया है मैंने कि कैसे इसको निकालते हैं। एक कुंडली का हम लोग निकाल के देखेंगे, बताया है उसको निकाल के, तो फिर आपकी शोध्य पिंड वहां पे बना हुआ आएगा, आपको परेशानी नहीं आएगी इसके अंदर। राशि गुणाकार और ग्रह गुणाकार वो कैसे होता है कि जितनी राशियां हैं ये मेष से लेके मीन राशि तक सबको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, मेष को 7, वृष को 10, मिथुन को 8, कर्क को 4, सिंह को 10, इस तरीके से पॉइंट दिए हुए हैं, 7, 10, 8, 4, 10, 5, 7, 8, 9, 5, 11, 12, ये पॉइंट किस बेस पे दिए हुए हैं, ये ऋषियों के दिए पॉइंट हैं, इनमें कोई बेस का कुछ नहीं है, ये राशि गुणाकार उन लोगों ने दिया हुआ है, बहुत रिसर्च करने के बाद उन्होंने दिया होगा। तो ये सब ऋषियों के दी हुई चीजें हैं सारी, जो शास्त्रों में वर्णित है, और राशियों के आगे ये पॉइंट दिए हुए हैं, इनको बोलते हैं राशि गुणाकार, जो राशि से मल्टीप्लाई करना है, राशि से गुणा करने वाली चीजें। एक होती है ग्रह गुणाकार, ग्रह से मल्टीप्लाई करने वाली चीजें, ग्रह के भी नंबर दिए हुए हैं, सूर्य को 5, चंद्रमा को 5, मंगल को 8, बुध को 5, 10, 7, 5, ऐसे करके नंबर दिए सातों ग्रहों को। तो राशि गुणाकार और ग्रह गुणाकार का इस्तेमाल होता है, और एकाधिपत्य शोधन के बाद जो टेबल होती है आपकी दोनों शोधनों के बाद, उस टेबल का इस्तेमाल होता है। वो भिन्नाष्टक वर्ग चलेगा, जैसे सूर्य के लिए क्या करना है आपने, तो सूर्य का भिन्नाष्टक वर्ग जो दोनों शोधन के बाद है वो, फिर राशि गुणाकार और ग्रह गुणाकार। अब वो कैसे करते हैं, इन दोनों गुणाकारों को उपयोग में लेकर आते हैं। जैसे हम सूर्य क्या निकालते हैं, सूर्य का अष्टक वर्ग जो हमने दोनों शोधन के बाद निकाला था इस कुंडली में, उसके बाद उसमें निकालते हैं, वो क्या करते हैं कि राशियां लिख लेते हैं सारी, एक टेबल बना लेते हैं, और दोनों शोधनों के बाद बची संख्या लिख लेते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर। हाँ, जो भिन्नाष्टक वर्ग है उसमें डिफरेंट डिफरेंट राशियों में डिफरेंट पॉइंट आ रहे हैं दोनों शोधनों के बाद, त्रिकोण शोधन और एकाधिपति शोधन के बाद, वो जो पॉइंट है वो आपने लिख लिए, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक आपने पॉइंट लिख लिए कि कितने पॉइंट है आपके, किस किस राशि में कितने पॉइंट है, और उनको गुणा करना है, किससे गुणा करना है, जो राशि गुणाकार है। तो मेष के लिए राशि गुणाकार क्या है, 7 है, वृष के लिए राशि गुणाकार 10 है, मिथुन के लिए राशि गुणाकार 8 है, तो इससे गुणा करेंगे आप इसको, तो सारा गुणा करने के बाद, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आप टोटल करेंगे, एक फिगर आपकी ये आती, जो कुल राशि पिंड आपका आया ये आपका राशि पिंड कहलाता है, जो राशियों में नंबर जो हैं दोनों शोधन के बाद आपके भिन्नाष्टक वर्ग में, जो दोनों शोधन के बाद राशियों में नंबर है, बची संख्या है, उनको इन इन नंबरों से गुणा करेंगे
और बड़ा करने के बाद ये सब नंबर हमारा आएगा, तो ये हमारा कुल राशि पिंड बन जाएगा। मनीषा जी समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। अच्छा, तो ये हमारा राशि पिंड, कुल राशि पिंड हमारा बन गया। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे फिर उसी सर, इसका मतलब ये है कि हर राशि का वेटेज अलग अलग है, राइट? क्योंकि हम अलग अलग उससे गुणा कर रहे हैं, तो किसी राशि की ज्यादा इम्पोर्टेंस है, किसी की कम है, मतलब सब हम किसी कम ऐसा ले सकते हो आप। ये एक किसी एक प्लेनेट के लिए आप ये चीज हुई ना। हाँ, अभी जो आप बता रहे हो ये जो भी है, ये दो पॉइंट या छह पॉइंट दोनों शोधन के बाद जो संख्या बची है, जैसे जैसे सूर्य का अष्टकवर्त निकाल लिया आपने दोनों शोधन के बाद, ठीक है ना? हाँ, अब सूर्य का शोधे पिंड निकालना है। अच्छा, ओके ओके। अब सूर्य का शोधे पिंड निकालने के लिए ये दोनों चीज लगानी पड़ेगी आपको, राशि गुणाकार भी, ग्रह गुणाकार भी। और ये कहाँ लगाना है? ये सूर्य के अष्टकवर्त में लगाना है। ओके, तो ये जो मैंने नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पे इस वाले उसमें, ये नंबर वो वाले नंबर हैं जो सूर्य के भिन्नाष्टक वर्ग में दोनों शोधन के पश्चात नंबर राशियों में बचे हैं। तो वो नंबर लिख लिए और उस नंबर में राशि गुणाकार से मल्टीप्लाई किया और 134 आ गया राशि पिंड टोटल। ऐसे ही इसके बाद फिर ग्रह लिख लिए, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, और वो किस राशि में बैठा है वो राशि लिख ली। वृश्चिक राशि में बैठा है सूर्य, चंद्रमा कर्क राशि में बैठा हुआ है। ये सब सूर्य के भिन्नाष्टक वर्ग में देखना है आपने, कहीं कंफ्यूज मत होना। ये सूर्य का ही निकाल रहे हैं हम सारा, जो कुछ निकाल रहे हैं सूर्य के और जो एकाध्य पिंड शोधन के बाद है। हाँ हाँ, एकाध्य पिंड शोधन के बाद है, उसी को इस्तेमाल करना है राशि गुणाकार के लिए और उसी को इस्तेमाल करना है ग्रह गुणाकार के लिए। और ये जो है संख्या जो बची हुई वो उसके बाद जो उसके पॉइंट बचे हैं। हाँ, जो संख्या लिखी हुई है दोनों शोधनों के बाद जो लिखी हुई है, तो ये सात, मतलब सात जो है वो मंगल के है या सूर्य के है? सूर्य वृश्चिक राशि में है ना? नहीं नहीं, ये सूर्य वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है कुंडली में, तो वहाँ जीरो पॉइंट है वृश्चिक राशि में। नहीं नहीं, थर्ड जो है सात, ये कन्या राशि में सात पॉइंट है दोनों। मंगल जहाँ बैठा है, मंगल जो बैठा है कन्या राशि में सात पॉइंट है, देखिए ये दोनों शोधन के बाद, ये देखिए ना कन्या राशि में सात पॉइंट है दोनों शोधन के बाद। ओके, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा है, अब उधर आएंगे। अभी तो हमने केवल राशियां सारी लिख ली, 12 की 12 राशि लिख ली, दोनों शोधने के बाद संख्या लिख ली और उनको गुणा करा राशि गुणाकार से और राशि पिंड निकाल दिया हमने, कुल राशि पिंड। अब हम क्या करेंगे कि ग्रह लिखेंगे, टेबल बनाएंगे, उस ग्रह में वो किस राशि पे है वो राशि लिखेंगे। ओके, और दोनों शोधने के बाद बची संख्या लिखेंगे, उस राशि में कितनी संख्या है वो लिख लेंगे। संख्या तो हमारे पास अवेलेबल है ही, पिछली वाली टेबल से अवेलेबल है, उसी टेबल से लिख लेंगे। और गुणा करना है ग्रह गुणाकार से, जो ग्रह गुणाकार दिया है हमने, सूर्य का 5 से मल्टीप्लाई करना है, चंद्रमा का 5 से मल्टीप्लाई करना है, मंगल का 8 से मल्टीप्लाई करना है, बुध का 5 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे करके हम लोग इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका टोटल कर लेंगे। तो ये हमारा कहलाएगा ग्रह पिंड। ये 71 हमारा आया ग्रह पिंड और 134 जो हमारा ये आया था, ये हमारा आया था राशि पिंड। इन दोनों का टोटल जो करेंगे वो हमारा सूर्य का शोधे पिंड हो जाएगा। ओके, ठीक है। सब ग्रह के निकालने पड़ेंगे, ये सब ग्रह के निकालने पड़ेंगे आपको शोधे पिंड। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन बहुत बढ़िया, बहुत मजा आएगा इसके अंदर। एक फोल्डर बना लो अपना पूरा पूरा, उसके अंदर सारे शोधे पिंड निकालते हुए सब करते हुए, उसके बाद तो सॉफ्टवेयर देगा आपको मजे से दिखना, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सॉफ्टवेयर में लिखा होगा। अपनी कुंडली का तो सारा निकाल ही लेंगे एक बार। हाँ हाँ, अपना कुंडली का पूरा निकाल लो एक बार ताकि क्लियर रहे कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं। सर ये गुणा हो जाएगा सर, ये गुणाकर सब सब ग्रहों के लिए सेम रहेंगे या अलग अलग हैं? क्या चीज, क्या चीज? ग्रह गुणाकर जो आपने दिए जैसे 5, 5, 8, 5, ये सबके लिए सेम रहेंगे? सूर्य चंद्र सबके लिए सेम रहेंगे, किसी कस्टमर के लिए अलग नहीं रहेंगे, ये सबके लिए सेम है, राशि गुणाकार भी ग्रह गुणाकार। इसी प्रकार से आप चंद्र का शोधे पिंड निकाल दिया, ये चंद्र का आपने देख लिया, चंद्र का अष्टकवर्त उठाया आपने दोनों शोधनों के बाद, संख्या लिख ली यहाँ पे कितनी है, गुणा करी, गुणाकार निकाल लिया, 91 आ गया इसका। इसका भी आपने वही देखा कि चंद्र के अष्टकवर्त में ग्रह कहाँ कहाँ बैठे हैं, तो वही सूर्य वृश्चिक में बैठा हुआ है, चंद्र कर्क में बैठा हुआ है, मंगल कन्या में बैठा हुआ है, वहां पे कितने पॉइंट है चंद्र के अष्टकवर्त में,
देखिए कन्या जब सूर्य कष्टकर में था तो वह 7 पॉइंट थे, यहाँ पे 0 पॉइंट है कन्या में, कन्या राशि में, चंद्रमा के अष्टक वर्ग में, तुला में 1 पॉइंट है। ये पॉइंट लिख लिए, मल्टीप्लाई करा और मल्टीप्लाई करके इसका 158 शुद्ध पिंड आ गया, चंद्र का शुद्ध पिंड आ गया। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक? नहीं नहीं सर। हाँ, इस प्रकार से फिर सारी आपको निकाल लेनी है। अब ये जो पिक्चर मैंने आपको दिखाई है ये सॉफ्टवेयर की पिक्चर है, मतलब ये पराशर लाइट में ऐसा आता है, पराशर लाइट में आपको ऐसा मिलेगा कि ये आपका शोधन से पूर्व है, सूर्य का भिन्नाष्टक वर्ग, ये त्रिकोण शोधन के बाद है, ये एकाधिपत्य शोधन के बाद है, और इसमें राशि पिंड इतना है, ग्रह पिंड इतना है, शुद्ध पिंड इतना है, शुद्ध पिंड जो ये सारा आपको दोनों को ऐड करके, राशि पिंड और ग्रह पिंड जो मैं निकालना पीछे बताया उनको ऐड करके आपका शुद्ध पिंड आपका आ जाएगा। तो ये सॉफ्टवेयर के अंदर आपको इस तरह की टेबल मिलेगी, जब आप देखेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। मैं भी आपको दिखा दूंगा जब पराशर लाइट सॉफ्टवेयर दिखाएंगे तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा ये टेबल कैसे टेबल मिलती है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सीधा कितना जहां शुद्ध पिंड का इस्तेमाल करना हो वहां पर ये टेबल देख ली, जहां पे आपको खाली वैसे इस्तेमाल करना हो मुहूर्त मुहूर्त के लिए वहां पे खाली ये टेबल देख ली, शोधन से पूर्व की टेबल देख ली आपने, जहां कक्षा कंसेप्ट आपने देखना हो तो वहां पे प्रस्तारक वर्ग देख लिया आपने, प्रस्तारक वर्ग में तो डिफरेंट ग्रहों के नंबर भी लिखे होते हैं ना, जैसे यहाँ तो मालूम यहाँ तो नंबर 4 नंबर है ये 2 नंबर राशि में, लेकिन ये 4 नंबर किसने दिए हैं वो प्रस्ताराष्टक वर्ग में लिखे रहते हैं कि इस ग्रह ने दिया, इस ग्रह ने दिया, इस ग्रह ने दिया, इस ग्रह ने दिया, इस ग्रह की कक्षा मिला, इस ग्रह की कक्षा मिला, इस ग्रह की कक्षा मिला, इस ग्रह की कक्षा मिला। ठीक है, हाँ, तो ये इस तरीके से आपको कैलकुलेट कर लेने हैं यहाँ तक, और शोध पिंड तक आपको ये सारा चीज कैलकुलेट कर लेना है। तो जब आप आएंगे तो हम शोधन के बाद कैसे इस शोध पिंड का इस्तेमाल होता है वो शोध पिंड का इस्तेमाल करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट ग्रहों के लिए अलग अलग है, सूर्य के लिए अलग है, चंद्रमा के लिए अलग है, मंगल के लिए अलग है, बुध के लिए अलग है, बृहस्पति के लिए अलग है, शुक्र के लिए अलग है, शनि के लिए अलग है। तो उस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसको। तो जो पहले सर्वाष्टक वर्ग बनाया था उसकी प्रिडिक्शन को भी काम आती है या वो जनरल? नहीं, वो तो काम क्यों नहीं आती है, वो तो काम आती आती है, वो सारी चीज आती है ही है। अच्छा, वो है जो चीज के लिए मैंने आपको सर्वाष्टक वर्ग बताया वो चीज तो सर्वाष्टक वर्ग से ही मालूम चलेगी आपको। नहीं, इसमें तो बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है इसमें बहुत एक्यूरेसी की तरफ जा रहे हैं हम लोग। हाँ, इसमें थोड़ा सा मतलब क्योंकि इसमें आदमी के मरने वरने की स्थिति देखी जाती है ना सर, इसमें आदमी की एज देखी जाती है, इसमें कहते तो एज के लिए है लेकिन आप एज मत मानो आज की डेट में, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह बहुत अच्छे हुए हैं, लेकिन यहाँ कष्ट मानो, फाइनेंशियल कष्ट मानो, समस्या मानो, ये सब चीजें मानो उसके अंदर। इसमें तो ये कहते थे कि आदमी बिल्कुल जैसे कहना चाहिए ना कि गबन कर दिया उसने, उसका तो 0 बैलेंस हो गया, उसका तो बैंकक्रप्ट हो गया, वो हो गया या उसकी मृत्यु हो गई, इस तरह की चीजें बोली जाती थी शुद्ध पिंड के हिसाब से। लेकिन अब ये इतना नहीं, आप ये मानो कि हाँ मतलब कमी आएगी उसके अंदर, तो शुद्ध पिंड का आपको इस्तेमाल करना है, एकाधिपत्य शोधन का ये सोचे तो ये शुद्ध पिंड हमारे होगा, इस तरीके से हमें करना है। इसी प्रकार से ये आगे गुरु का आ जाता है, गुरु के 3 बने आएंगे, शोधन से पूर्व, त्रिकोण शोधन के बाद, एकाधिपत्य शोधन के बाद, गुरु शुक्र शनि, और इस तरह से हमारे ये सब शोधन पिंड बन जाते हैं। इसके बाद ये मंडल शोधन तो इसमें नहीं है, ये मैं बाद में बताऊंगा आपको, मंडल शोधन बाद में आता है। हालांकि आपके ये इसके अंदर हम लोग इस्तेमाल नहीं करते मंडल शोधन को, वही वाला शोधन इस्तेमाल करते हैं, त्रिकोण शोधन और एकाधिपत्य शोधन। मंडल शोधन विधि है, किसी और राइटर ने बोली है, लेकिन ये राइटर ये विधि जो है प्रचलन में नहीं है, शास्त्रों में सिर्फ त्रिकोण शोधन और एकाधिपत्य शोधन के बारे में ही वर्णन है, उसी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं और उसी का यूज करते हैं, ये इसका इस्तेमाल नहीं करते मंडल शोधन। बता दो सर, इतना बहुत रिफाइंड हो गया वो बिल्कुल। हाँ, तो वो मंडल शोधन किस यूज में आती है सर? ये भी सेम चीज वही है, इसके अंदर भी शोध पिंड निकालते हैं, वो सब चीज करते हैं, जैसे मतलब कि ये शोध पिंड निकालने का एक अलग तरीका है, वो शोध पिंड निकालने का एक अलग तरीका है। अब जैसे आपका है ना, जैसे एस्ट्रोलॉजी में आपका आता है कि पाराशर की पद्धति एक है, जैमिनी की एक है, ऐसे करके, तो ये समझ लो जैसे जैमिनी की है कोई छोटी सी पद्धति उन्होंने निकाल दी है पाराशर वाली में से, लेकिन पाराशर जी ने जो दिया है वो वही दिया है जो मैंने आपको पढ़ाया है, वही चीज हम लोगों को लेनी है। ये सब सर आता सेम है दोनों से, टेबल दोनों से सेम ही बनती है, मंडल से भी और पराशर से भी? मैंने कभी मंडल से ट्राई नहीं किया, तो छोड़ देते हैं इसको, बाकी हाँ, क्योंकि मंडल, हाँ मंडल हम इस्तेमाल नहीं करते, ये प्रेजेंटेशन बना हुआ था। हाँ, मंडल
आज होमवर्क बहुत सारा हो गया। हाँ तो त्रिकोण शोधन तक ये करिए, एकाधिपति शोधन तक कीजिए, ये बना के आप लेकर आइए। इसके बाद सर, हाँ। तो इसका जस्ट पीपीटी तो या कुछ वो तो दे देना मुझे स्लाइड, जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टडी। मैं जो सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ ना, तो फॉर दैट पर्पस। नहीं आपको मैं देखिए ऐसा है, जो पीपीटी तो मैं आपको सारा कोर्स खत्म होने के बाद दे ही दूंगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अभी मैं आपको वो पीपीटी दे देता हूँ, चूंकि एकाधिपत्य शोधन त्रिकोण शोधन करने के लिए नियम वगैरह लिखे हुए हैं, तो उसका पीपीटी मैं आपको दे देता हूँ। उसके बाद तो मैं आपको सारा पीपीटी दे दूंगा, मुझे क्या करना है पीपीटी रखे अपने पास। हाँ, कोई इश्यू नहीं। लेकिन अभी अगर मैं आपको अभी सारा दे दूंगा ना, क्योंकि इसके अंदर 350 स्लाइड है, वो 350 स्लाइड वो देनी ही पड़ेगी, सारा उसके अंदर अभी आ जाएगा तो सब गटपट हो जाएगा। उसके बाद मैं तो ये पूरा करने के बाद की बात कर रहा हूँ। आप मुझे ये मंडल शोधन जो है, यदि आप उस टॉपिक को नहीं ले रहे हैं तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे ये देना, ताकि मैं खुद पढ़ के देखूं कुछ कंफ्यूजन। हाँ, हाँ, दे देंगे, दे देंगे आपको, दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस मेरा दे देंगे। अच्छा तो आज यहीं तक रखते हैं हम लोग। सर मेरा वो आगे वो जो स्लाइड है ना, मैं जो मेरा जो कंफ्यूजन था वो पेज मैंने निकाल लिया है। तो आप एक स्लाइड में है, फर्स्ट 9th 10th 11th हाउस में 27 या उससे अधिक बिंदु है, वैसा वो वाला स्लाइड लिया है ना सर। वो जो सब अष्टक वो जो शनि से ये वो वाला कैलकुलेशन था ना, उससे आगे उससे उसके बाद वाला स्लाइड। ये समृद्धि वाला जो है ना, ये कि भाई कहाँ नौकरी करे आदमी, क्या नहीं, कुछ करे, ये लोग बहुत, मैं तो वैसे ही बता रहा हूँ आपको। अच्छा, अच्छा, ये लोग बहुत पूछते हैं एस्ट्रोलॉजी में कि जी कहाँ करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो वो सारा सर्वास्तक। हाँ, वो तो ये इससे, हाँ इससे तो वो पता, मैं इसलिए वो सॉफ्टवेयर ऐसा ही बना रहा हूँ, वो आपको सीधा आप डालोगे तो आपको बता देगा कि कहाँ जाइए, क्या करें, क्या ना करें, बिजनेस अच्छा है क्या, वो उस तरह से बना रहा हूँ। इसलिए तो मैं आपको बस इसके बाद में आएगा वो नीचे, वो जो इसके नीचे, हाँ मतलब वो जो प्लेनेट वो सब आपने वहां पे साइड पे वो 7.5 है, नहीं नहीं इससे तो आगे ही है, उससे तो आगे ही है, आगे मतलब ये है कि इससे ऊपर या नीचे। हाँ ऊपर, पहले 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 वो बंधु और वो नहीं लिखा था वो वाला, वो तो नीचे चला गया, कहाँ पे गया, तो मैंने नीचे भी निकाल दिया। हाँ बस ये आ गया। हाँ 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 ये देखिए, इसके बाद वाला लाइए 11th हाउस में वाला जो है ना। हाँ ये नहीं, इससे ये तो 11th हाउस में बताऊँ आपको, यदि 11th में 10th से ज्यादा बिंदु तो कम मेहनत वाला जो है ना। हाँ 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 यदि 11th, हाँ लेकिन उन्होंने जो 11th में ज्यादा है 10, हाँ 10 से ज्यादा है, तो वो वाला जो है ना स्लाइड वो, ये एक मिनट, ये हाँ एक ये देखिए, ये नहीं ये वाली में नहीं है, मुझे लगता है यहाँ पर लिखा हुआ होगा शायद, ये होगा यहाँ पर होगा, जब किसी राशि का उदय हो रहा हो, न्यूनतम बिंदु है, दूसरे भाव में 12 भाव से अधिक बिंदु हो, यहाँ पर होगा 12वें भाव में 11वें से अधिक बिंदु हो, तो उसका अभिप्राय होता है इससे पहले, यदि एकादश भाव में दशम भाव से अधिक बिंदु हो तो जातक अपेक्षाकृत कम प्रयास से अधिक लाभ कमाएगा। आपने आपने मैं पढ़ू जो ऐसा है ना, तो आपने जो लिखा है, यदि 11th में 10 से ज्यादा बिंदु तो कम मेहनत से ज्यादा, 12th में ये ना, ये लिखा है नहीं, नहीं, नहीं ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन वो स्लाइड साइड पे वो क्या कुंडली है वैसा वाला है ये स्लाइड उनका। 12वें में 11 मतलब 12th हाउस में 11th हाउस से कम होने चाहिए। हाँ बराबर है। हाँ वो लग्न में 12 से अधिक तो जातक पैसा वाला, ऐसा लिखा है, इसलिए मैंने बोला आप स्लाइड वो लाएंगे ना, साइड देखिए जिसमें उस स्लाइड में साइड पे कुंडली बनी हुई है, सर्वाष्टक बना हुआ है। अच्छा एग्जांपल कुंडली बनी हुई है साथ में। वो स्लाइड है।
मैंने आपका वो चला के पिक्चर वो स्टॉप करके रखा है, इसलिए वो सर्वास्ट्रक के तो बाद ही है आएगा ना, क्योंकि सर्वास्ट्रक में आपने वो कैलकुलेट किया हुआ है ना। एक मिनट नीचे आइए, अभी और नीचे मैं बताऊं, आप साइड पे कुंडली बनी हुई है ना वो ले लेना, वो उतना श्योर है। हाँ, उससे फास्ट हो जाएगा, देख ये कौन सा है, ये कौन सा है, आप एक मिनट ये भी नहीं, ये भी नहीं। ये देखिए ना, ये क्या लिखा है, नहीं ये तो ज्यादा वाला हो गया। हाँ, ये नीचे वाला देखिए तो सर, आगे चलिए। बस बस ये जो स्लाइड है ना, एक इसमें भी क्वेरी है, एक मिनट ये तो रखिए, इसमें देखिए, ये तो मैंने बता दिया ना आपको। नहीं नहीं, हाँ नहीं, आपने जो टाइप किया है वो बंधु भाव में सेवक से ज्यादा बिंदु हो तो किसी के नीचे काम नहीं कर पाएगा, यदि सेवक में ज्यादा तो नौकरी, बराबर है। तो ये इसमें बंधु भाव क्यों लिया, मैं वो बोल रहा हूँ, मतलब बंधु मतलब धर्म हो गया, आप समझिए, बंधु मतलब 1159 हो गया, और 159 में है तो उसका बिजनेस से क्या। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको वही बताना चाह रहा था, दरअसल मैं वही आपसे कर रहा था, ये वाली स्लाइड को आप मत काउंट कीजिए, ये गलत स्लाइड है। इसमें बंधु के भैया धर्म कर देते हैं कि वो धर्म कर्म के काम में लगेगा। वो सही है। मान लो कि 159 में ज्यादा है, अर्थ मतलब अर्थ से ज्यादा धर्म त्रिकोण में है, तो पैसे के पीछे पागल नहीं रहेगा वो बंदा, वो अभी धर्म धर्म में वो धर्म, हाँ मतलब वो पजेसिवनेस उसमें नहीं होगी, अर्थ होगा तो उसके लिए व्यापार, तीसरा काम है मोक्ष, बस ये चार याद रखेंगे, ये चार तो याद वो उससे आप याद उस तरह से आप लगाओगे सही। अब ये नीचे वाला लाइए, उसके नीचे वाला कौन सा है, ये नहीं, और इसके ऊपर वाली कौन सी थी, इसके ऊपर वाली तो यही वाली थी, नहीं नहीं इससे आगे वाली, इससे हाँ ये वाली देखिए, तो बंधु से ऊपर, बंधु से ऊपर वो ही नहीं मिलेगी, बस ये वाली कौन सी है देखिए, ये तो वही 64 वाली है ना, तो आपने वो निकाल दी क्या सर, उससे ऊपर देखिए तो, अरे नहीं सर मैंने तो नहीं निकाली, तो मेरे पास तो आपका ही पिक्चर है। नहीं वैसे वो पॉइंट देसाई साहब बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा है, क्योंकि सर ने 12 से 1 के बीच में कोई फाइनेंशियल रिलेशन नहीं बताया था। नहीं नहीं, एक समझ गया वो पॉइंट आपका, आपने कुछ निकाल आप उसका अर्थ तो आपने समझ लिया ना, वैसे नहीं तो आप उस पर ऐसे करो ना, उसको उस पॉइंट की आपके पास पिक्चर है कुछ है तो इसमें आपने, ठीक है मैं वो कर दूंगा आपको, वो व्हाट्सएप कर देना, तो एक बार देख लेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसे डिस्कस कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पुराने रिकॉर्डिंग में भी देख लेंगे, पुराने नोट्स में एक बार, हां वो मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं तो अगर मान लिया कोई प्रॉब्लम उसमें होगी, कोई क्वेरी उसमें होगी, तो मैं किताब भी देख लूंगा जो अष्टपद महानिबंध है, उसको एक बार चेक कर लूंगा कि उसमें, क्योंकि उसके हिसाब से सब चीजें हैं, क्या उसके अंदर दिया। प्रिंसिपली तो 12th का और 1st का फाइनेंशियल लिंक नहीं है, फाइनेंशियल लिंक तो 12th का और 2nd का है, और 10th 11th तो 12th का है, करेक्ट है। हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक। मेरे पास मैंने ढूंढी वो सीएस पटेल की एक अष्टकवर्ग पे बुक है। अरे रे वो मत पढ़िएगा। नहीं वो तो पड़ी हुई थी मेरे पास, तो मैंने वो उसमें अष्टकवर्ग, उसमें अष्टकवर्ग जो है वो उल्टा बनाना दिया हुआ है, हम लोग राशि से बनाते हैं, वो भाव से बनाता है, मतलब उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे ना वो अलग बनेगा। नहीं नहीं, मैं तो बनाना तो सॉफ्टवेयर ही बनाता है, तो ज्यादा मेहनत नहीं करता हूँ मैं, इसलिए तो सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ कि वो इंटरप्रिटेशन भी वही दे देगा, क्या फल मिलने वाला है पूरा आपको बोल देगा, पैसे वाला बंदा होगा या नहीं होगा, अभी इतना तो मैंने बना लिया और उसी में कन्फ्यूजन हुआ, इसलिए तो मैं आपको पूछ रहा हूँ कि ये क्यों, इसीलिए देख लेंगे उस पॉइंट को। ठीक है ठीक है, मैं आपको पिक्चर भेज दूंगा, भेज दीजिए आज यही पर, सब लोगों को भेज दीजिए, सब लोग देख लेंगे, मैं ग्रुप पे ही डालूंगा ना, मैं ग्रुप पे वो पिक्चर डालूंगा, ठीक है ठीक है। तो आज यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हैं, और उसके बाद इस अगला वाला पढ़ेंगे हम लोग शुद्ध प्रिंट के बारे में। धन्यवाद, जय श्री कृष्ण। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू किरण जी, थैंक यू।